हम अब कथा के अगले प्रसंग में प्रवेश करते हैं। युधिष्ठिर ने अपनी राजधानी बनाई थी, उसका नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। और धृतराष्ट्र की राजधानी का नाम क्या था? हस्तिनापुर। और भगवान कृष्ण की राजधानी का नाम? तो तीनों अपने अपने जगह पर राजा थे। अभी महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था कि महाभारत युद्ध की अलग ही घटना है। तो सूर्य ग्रहण का अवसर था। सूर्य ग्रहण जब गुरु ग्रहण लगता है तो यहाँ का मुझे मालूम नहीं है, भारतवर्ष में तो नदियों के अंदर स्नान करते हैं, जो नजदीक की नदी हो, गंगा यमुना सरस्वती, वो तो नदियों में स्नान करते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हैं। जब खत्म होता है, क्या खत्म होता है? कोई भी ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, तो जब ग्रहण खत्म होता है तो दान दक्षिणा देते हैं ब्राह्मणों को और स्नान करते हैं। ये प्रथा आज की नहीं है, ये पुरानी प्रथा हमारी उस वक्त नहीं चलती आ रही है जबकि ये कथाएं हैं। तो एक बारी सूर्य ग्रहण का, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अवसर था और कुक्षेत्र में ये सब इकट्ठे हुए। कौन कौन? युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र और भगवान कृष्ण, सारे कौरव पांडव और ये सब इकट्ठे हुए। भगवान कई गोपियाँ, कई ब्रजवासी वहाँ पर आए थे, माता कुंती भी आई थी, वसुदेव भी आए थे, सब वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। तो फैमिली जैसे गेट टुगेदर होता है ना, हमारे में कभी शादी ब्याह होता है या कोई ओकेजन होता है तो फैमिली गेट टुगेदर होता है, ये एक बहुत बड़ा ग्रैंड फैमिली गेट टुगेदर था सेलिब्रेशन। सूर्य ग्रहण हुआ, सबने अपना स्नान किया, दान दक्षिणा की, उस पर सब अपने शिविरों में आ गए। तो शिविर में रहते थे तो शिविर में आ गए। तो कुंती की मुलाकात किससे हुई? वसुदेव से, बहन थी ना इनकी, वसुदेव की बहन कुंती। तो इन्होंने आपस में गिले शिकवे दूर करने की बात की। जब तो हम भी मिलते हैं ना कभी शादी ब्याह में या कहीं किसी मौके पर बहन भाई इकट्ठे होते हैं तो फिर गिले शिकवे करते हैं, तुमने मेरे साथ ऐसे किया, तूने ऐसे किया, मेरी ये गलती थी, तेरी गलती थी, तो करते हैं ना, बातें करते हैं, गिले शिकवे करते हैं और इस तरीके से अपना समय व्यतीत करते हैं। तो कुंती ने क्या किया? वासुदेव को उल्हाना दिया, जैसे हम उल्हाना देते हैं कि आप कैसे भाई थे, आप अपने आप को कहते हैं कि मैं सज्जन भाई हूँ, जैसे हमारे पर आपत्ति आपत्ति आई तो आपने कभी हमारी सुध नहीं की। कौन कह रहा है? कुंती कह रही है सहदेव को, वसुदेव को कह रही है कि जब मेरे पर मुसीबत आई तो तुमने मेरी खबर नहीं ली, मेरी कोई सहायता नहीं की, मेरी सुध नहीं। कुंती के ऊपर कौन सी आपत्ति आई थी? दुर्योधन, दुर्योधन उसको पसंद नहीं करता था, 12 वर्ष का कारावास दे दिया था उसको, जंगलों में वास करने के लिए बनवास दे दिया था। धृतराष्ट्र बड़े बड़े अत्याचार करता था और भीम को मारने का प्रयास किया गया, खीर में अंदर जहर दिया गया, लक्षाग्रह हुआ, कितने कितने द्रौपदी का चीरहरण होने का प्रयास किया गया, कितनी हमारे पर आपत्ति आई, कुंती कहती है, लेकिन कभी आपने हमारी खबर नहीं ली, हमारी सुध नहीं ली। तो वसुदेव कहता है बहन उलाना मत दे, तेरे पर आपत्तियाँ आई हैं तो मेरे पर भी आपत्तियाँ कम नहीं आई, तुम अपनी अपने कहते मैं बड़े दुख में हूँ, मैं बड़े दुख में हूँ और तुमने मेरा हाल नहीं पूछा, अब ये तो देखो कि वो किस हाल में है, उसके ऊपर कितना दुख है। तो उसने कहा मैं इतना दुखी था कि कंस ने हमको, वसुदेव को, मेरी पत्नी को कितने सालों तक कैद खाने में रखा, हमारे 6 पुत्रों को मार दिया और कभी हम उसके सामने चू तक नहीं कर सके, हमारे को दुख कम था क्या, और हमारे सामने उन्हें हमारे बच्चों को मारा है, कैद खाने में रखा। ये तो हमारा एक बेटा था जो कि सुरक्षित चला गया गोकुल के अंदर और उसने आके हमें कंस को मार के हमारी रक्षा की है, ये तो इतने वर्षों तक हम जेल में थे, तुमने हमारा कौन सा हाल पूछा, हम भी तो दुखी थे। तो ऐसे बहन भाई जब इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे को उलाना देते हैं। तो उस तरीके से फिर वसुदेव जी की नंद जी से मुलाकात हुई, वसुदेव जी और नंद जी की मुलाकात आई। तो वसुदेव जी कहते हैं कि हमारा बालक जो अभी एक दिन का भी नहीं हुआ था, पैदा होते ही हम उसको आप पास छोड़ देते, हम तो उसकी अटकेलियों से, जो बचपन की अटकेलियाँ उसे तो हम वंचित रहे, आपने ली लेकिन आपने उसकी रक्षा क्यों की, उसकी रक्षा की कैसे रक्षा की, जैसे आँखों की जो ये हैं पलके हैं पुतलियों की रक्षा करती है, जब भी कोई आँख के पलियों पर चीज आने लगती है तो पलके अपने आप बंद हो जाती है क्योंकि वो अंदर आँखों की रक्षा करती है। तो आपने हमारे पुत्र की इस तरीके से रक्षा की है तो मैं आपको अपना रोवर समझ के दे आया था और इस बीच में आपकी पुत्री तो मारी जा सकती, कौन थी उनकी पुत्री? जो माया को ले आए थे
मिस्र वापिस और भगवान कंस ने उसको मारने का प्रयास किया था और वो गायब हो गया, लेकिन वो उनके शोधक को उसका लाड प्यार नहीं मिला। तो उसने कहा इस प्रकार इस अवसर पर श्री भगवान की फिर गोपियों के घर मुलाकात हो। कहते बहुत समय के बाद उनकी द्वारकाधीश बन चुके थे, मथुरा में तो हुई नहीं मुलाकात, मथुरा में तो उन्होंने किसको भेजा था, उद्धव को भेजा था। उद्धव को कहा था कि तुम जाके मेरी गोपियों को ज्ञान का दान देकर के आओ, लेकिन बदले में उनको प्यार का दान मिल गया था। द्वारका के अधीश थे तो उन्होंने कहा गोपियों के साथ मिली तो गोपियों को बड़ा परमानंद महसूस हुआ, बहुत आनंद हुआ, परमानंद बोलते उसको जो बहुत आनंद का भी आनंद हो, परमानंद हो। उन्होंने कहा परमानंद मिला और उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने नेत्रों में बिठा लिया कि माता और हमारे प्राण प्रिय हो, हम आपको इतना चाहती जैसे अपने प्राणों को चाहती अब तो हमारे प्राण प्रिय हो। और उन्होंने कहा कि हम आपको हमेशा आपकी सेवा करेंगे, हम आपको हमेशा पसंद करती रहेंगी और जो आपने हमारे ऊपर कृपा की है वो किसी जीव मात्र के लिए बड़ी दुर्लभ है। फिर भगवान कृष्ण ने उनको वैराग्य का ज्ञान दिया, थोड़ा सा वैराग्य का ज्ञान दिया। उन्होंने क्या कहा कि मंदिर, मंदिर की सामग्री, अर्चय विग्रह और मुझे कोई भी वस्तु जो भेंट की जाती है ये मुझसे भिन्न नहीं है। मंदिर, मंदिर की अर्चय विग्रह, मंदिर में कोई भी की हुई भेंट वस्तु ये मुझसे और मेरे से भिन्न नहीं है, ये मेरा ही अंग है। जैसे आप मेरा सम्मान करते हो वैसे इसका सम्मान करो, इसीलिए कहते हैं प्रसाद का अनादर नहीं करते। भगवान की कोई भी वस्तु अगर आपको मिलती है तो उसका अनादर नहीं करो, इसको चेतन मानो, इसको मानो कि ये भगवान की तरह चेतन है, ये सिर्फ वस्तु नहीं है, ये चेतन है, इसमें चेतना है। मंदिर में मूर्त भगवान का प्रतीक है, भगवान का प्रतीक है मंदिर के अंदर, और जो भक्त है भगवान का प्रमाण है, प्रूफ है कि भगवान है। मंदिर का जो पुजारी है, मंदिर का जो ब्राह्मण है, मंदिर का जो भक्त है भगवान का प्रूफ है कि भगवान है, और जो मूर्त है भगवान की भगवान का प्रतीक है। तो उन्होंने कहा कि इस परमानंद को आप तभी प्राप्त कर सकते हो अगर तुम इसको देखते हो, इसीलिए कल कहा गया था कि भगवान को जब निहारो तो ऊपर से लेके हो नीचे तक पूरा निहारो, फिर उसको पूरी तरीके से इसका आनंद लो। कुछ परम भक्तों का भगवान को भी अशीष देते हैं, कुछ भक्त ऐसे होते हैं उनकी देखो भक्ति, भक्ति आपको किसी किस्म कई किस्म को मिलेगी, वो भगवान के पास आते हैं तो भगवान को भी आशीर्वाद देते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेने के बजाय ऐसे परम भक्त हैं जो भगवान को भी आशीर्वाद देते हैं, पहले युग युग जियो खुश रहो हमेशा बजाय उनसे खुशी मांगने के। ये भक्ति की बड़ी चरम सीमा है, ये हम आप लोग नहीं कर सकते कि हम आके भगवान से आशीर्वाद देने जाए, भगवान को आशीर्वाद दे जाए कि भगवान तुम युग युग जियो, भगवान खुश रहो, भगवान ऐसे करो, ये भक्ति की परम सीमा है जिसको प्राप्त करना थोड़ा कठिन है, लेकिन ये ब्रिजवासियों को बड़ी आसानी से प्राप्त है। जो ब्रिज के वासी हैं वो जाते हैं भगवान के मंदिर में दर्शन करते हैं और कभी कभी वहाँ के पट नहीं खुलते हैं मंदिर के हैं तो हाथ में वो लड्डू लेके आते हैं और एक रुपये ऊपर रखा होता है और कहते हैं तुम तो अपना अंदर से मजे से बैठे हो मंदिर में हैं पंखे के अंदर और हम देखो इधर पसीनों पसीनों के दर्शन नहीं दे रहा, लड्डू उठा के मारते और कहते खुश रहो ऐसा आशीर्वाद है हमारा है हमेशा जिस कुछ कुछ जियो जियो, भगवान को भी आशीर्वाद लेके ब्रिजवासी आते हैं। ये उनकी परम भक्ति है, उनका परम सौभाग्य है, ब्रिज में जन्म देना कोई आसान बात नहीं है। ब्रिजवासी जितने इसलिए कहते हैं जब वृंदावन में जाओ तो किसी चीज़ को भी पूरा मत करो, ना जाने किस रूप में हो, ना जाने किस रूप में भगवान। तो हमें इस तरीके से उन्होंने कहा कि भगवान को गोपियों को क्या कहा, उन्होंने बड़ा उसको ज्ञान वैराग्य का दिया और उनको भक्ति दी। और उन्होंने कहा कि आपको गुरु द्वारा जो निश्चित गुरु ने जो आपको शिक्षा दी है उसका पालन करो और तभी आप इस जगत से पार कर सकते हो। तो गोपियाँ वैसे तो सदैव मुक्त आत्माएँ हैं, उनका और भगवान का उस गोकुल धाम के अंदर, गोलोक धाम के अंदर हमेशा मुलाकात है, हमेशा कटे रहते हैं, लेकिन उनको फिर भी उन्होंने भगवान ने उसके सिर प्यार रखा और उन सबको सुलोक के मुक्ति प्रदान की। सुलोक की मूर्ति होती है जब भगवान के लोग बना के निवास कर उन गोपियों को उन्होंने मुक्ति प्रदान की। इस अवसर पर द्रौपदी का श्री कृष्ण की बाकी रानियों के साथ सब रानियों का भेंट। भगवान की कितनी रानी आई थी वहाँ, 16108 रानी आई थी। अभी हमने कितनी ब्याह किए भगवान के, 16103। अब पांच शादियों का जिक्र यहाँ आता है भगवान की, बाकी पांच शादियों का। तो उन्होंने कहा, द्रौपदी ने पूछा कि आप बताओ कि आपका विवाह भगवान कृष्ण के साथ कैसे हुआ, हमें बताओ जरा। द्रौपदी को इतना मालूम नहीं था इसके बारे में, तो उन्होंने कहा तो बाकी तीन शादियों का तो उनको पता था, 16100 का पता था, बाकी पांच शादियों का जिक्र भागवत में आता है।
तो कलंदी ने कहा, कलंदी भवन की 116104वीं वो है, तो कलंदी ने कहा श्री कृष्ण से ब्याह करने के लिए मैंने बड़ी कठोर तपस्या की थी और मेरी तपस्या से खुश होकर भगवान कृष्ण और अर्जुन मेरे तट पर आए थे। कलंदी कौन है? यमुना देवी है, तो यमुना के तट पर आए थे और उन्होंने जब देखा मेरे मन के भाव कि मैं उनके लिए तप कर रही हूँ इतने वर्षों से, तो उन्होंने मुझे पत्नी रूप में स्वीकार किया, मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार किया और मैं उनकी अपनी दासी। तो इस तरीके से कलंदी ने बताया कि मेरे भगवान के साथ कैसी शादी हुई थी। फिर मित्रविंदा ने कहा, मित्रविंदा भगवान की जो अभिषेक की शादी थी उनकी मित्रविंदा से हुई थी। उन्होंने कहा द्रौपदी स्वयंवर में बहुत सारे राजकुमार आए थे और भगवान कृष्ण भी आए थे और उनका कहा कि सभी राजकुमारों को भगवान कृष्ण ने पराजित कर दिया। वो मेरे भाई इस शादी से खुश नहीं थे तो वो भी कृष्ण से लड़ने आ गए, जैसे रुक्मी खुश नहीं था वो भी लड़ने आ गए, लेकिन सबको उन्होंने हरा दिया। भगवान कृष्ण ने सब राजकुमार राजाओं को हराया और मैंने उनको अपना पति रूप स्वीकार किया। किसने? मित्रविंदा। फिर नगनजीती ने कहा कि मेरा विवाह का मैं बताऊं कि मेरे पिता ने स्वयंवर रचा था और स्वयंवर में क्या था कि सारे राजाओं को बुलाया था और वहाँ पे 7 सांड खड़े किए हुए थे और कहा था जो इस सात सांडों के साथ बैलों के साथ लड़ाई करेगा और इनको हराएगा उनके हाथ में शादी कराऊंगी अपनी बेटी की। मेरे पिता ने शर्त रखी थी, तो कह रहे सब आए और उनके नुकीले सिंहों के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सका, सिर्फ भगवान कृष्ण ने ही इन सातों सांडों को हरा दिया, इन बैलों को हरा दिया और इस तरह से मेरी उनसे शादी हो गई। किसकी शादी हुई अभी? नगनजीती। इसके बाद भद्रा महारानी ने कहा कि श्री कृष्ण मेरे मामा के पुत्र हैं और मैं सदा उनके चरण कमलों में समर्पित थी। मैं बचपन से उनको चाहती थी। मैंने जब बड़ी हुई, मेरे पिता ने मेरी शादी की बात की तो मैंने कहा मैं तो भगवान कृष्ण को चाहती हूँ, मैं तो उनके चरणों में समर्पित हूँ। तो भगवान कृष्ण ने तो मेरे पिता ने मेरी भावनाओं की कदर की, जैसे आजकल के बच्चे अगर माँ बाप कहते हैं कि हमने यहाँ शादी करनी है, हम उसको पसंद करते हैं तो माँ बाप आजकल शादी कर देते हैं, ज़्यादा कोई विघ्न नहीं डालते हैं, सिर्फ थोड़ा सा देखभाल देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम उसको बचपन से प्यार करती हो और तुम्हारे शादी का मौका भी आ गया है और तुमने अपने मन की बात बता दिया है तो हम भगवान को बुलाते हैं। उन्होंने भगवान को बुलाया किसी को और उनको शादी में बहुत सारी भेंट दी, दहेज दिया, उनको सेवा भार दी। उस तरीके से भद्रा महारानी की भी भगवान कृष्ण से शादी हुई। फिर लक्ष्मण की बारी आई। लक्ष्मण ने कहा कि मेरी शादी जब भगवान से हुई तो मेरे पिता ने एक शर्त रखी थी। क्या शर्त की थी? कि पानी नीचे रखा था, ऊपर एक मछली टांगी हुई थी और मछली को कपड़े से ढका हुआ था। जैसे द्रौपदी के बारे में तो मछली को कपड़ा नहीं ढका हुआ था, ये कपड़े से भी ढक रखा था और ये शर्त रखी गई थी कि इस ढकी हुई मछली को आपका निशाना बनाना है, पानी की परछाई देखकर। शर्त देखो तो ढकी हुई मछली है, आपका निशाना बनाना है और उधर नहीं देखना, पानी में देख कर निशाना बनाना है। तो कह रहे बड़े बड़े योद्धा आए इस लड़ाई में और इवन अर्जुन भी आया, कर्ण भी आया, भीमसेन भी आया, कोई भी उसको नहीं जीत पाया, उसको भेद नहीं पाया, सिर्फ भगवान कृष्ण ने उसकी आँख का पता लगा। अर्जुन ने तीर तो चलाया, मछली को लगा लेकिन उसकी आँख में नहीं लगा, सिर्फ भगवान कृष्ण ने तीर चलाया तो उसकी मछली की आँख में लगा। इस तरीके से मेरी भगवान कृष्ण से शादियाँ हो गई। भगवान कृष्ण की अब कितनी शादियाँ हो गई सुनिए आपने? 16108 हो गई। इन्होंने कन्फर्म कर दिया कि 16108 शादियाँ हो गई। भगवान की आज हमने 16108 शादियाँ की हैं, लेकिन आजकल एक शादी भी निभाना बड़ा कठिन होता है। एक शादी भी निभा लें तो यही तो फर्क है हमारे और भगवान में। अगर हम भी 16108 रानियाँ रख सकें, कितना ऐश्वर्य संपदा हमारे पास हो, इतनी सहन शक्ति हो हमारे अंदर, हैं तो हम भी भगवान बन जाए, हम एक ही निभा लें। तो सभी रानियों ने कहा कि भगवान ने हमें बड़ा प्रसन्न करके रखा हुआ है, यानी कि हमें रानी बना के रखा है, हम उसकी दासी हैं, सबने उस भगवान कृष्ण ने सबको प्रसन्नता प्रदान की हुई है, सब बड़े प्रसन्न है उनसे और हम भगवान से कुछ भी नहीं चाहते, इवन भगवान से हम मुक्ति भी नहीं चाहते, हम तो भगवान को अपना सिर्फ दासी मानते हैं। नारद जी भी एक बार गए थे ये देखने के लिए कि भगवान कृष्ण 16108 रानियों को कैसे रखते हैं, भ्रमित हो गए थे, वो कैसे रख सकते हैं, है? इस युग में तो एक रखना दो रखना भी मुश्किल है, 16108 कैसे रख दी जाए।
तो वो भी भ्रमित हो गए। वो एक महल में गए तो भगवान को देखा, तो भगवान ने उनका आदर सम्मान किया, उनको आदर सम्मान किया, उनको भोजन प्रदान किया, भोजन दिया, दान दक्षिणा दी। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे महल में गए तो वहाँ भगवान क्या कर रहे हैं, चौसर खेल रहे हैं, रानी कहते। तीसरे महल में गए तो भगवान यज्ञ कर रहे हैं। पांचवें महल में गए तो बच्चों के साथ खेल रहे हैं। जिस जिस महल में जाते हैं वहाँ भगवान ने अपने आप को इतना एक्सपेंड कर रखा था, इतना विस्तार कर रखा था, भगवान की ये विस्तार लीला है। भगवान अपने आप को जैसे गोपियों के साथ महाराज किया था, तो हर गोपियों को क्या लगता था कि भगवान हमारे साथ है। पर राधा के साथ उस सेंटर के अंदर राधा के साथ कर रहे थे अपना, क्या कर रहे थे, महाराज। इस तरीके से भगवान के अंदर ये शक्ति है कि अपने आप को जितनी मर्जी चीज में एक्सपेंड कर दूँ, जितना मर्जी अपना विस्तार कर दूँ। तो नारद मुनि को भी इस बात की शंका का समाधान हो गया कि भगवान की लीलाओं का एक्चुअल में वर्णन करना, देख पाना, समझ पाना बड़ा कठिन है। भगवान क्या क्या लीलाएं कर देते हैं हम और आप सभी नहीं पता है। तो आज का प्रसंग मैं इस बात करता हूँ, और कल आखिरी दिन है तो मैं प्रार्थना करूँगा कि आप जितने जितने लोग हैं अधिक से अधिक आए। वो ये कहते जितने बाकी छः दिन की कथा भी नहीं सुनी, अगर वो सातवें दिन की कथा भी सुन ले तो उसको भागवतम का पुण्य मिल जाता है, उसको भागवतम। तो आप अधिक से अधिक मात्रा में कल आएँ, तो जिन्हें छः दिन की कथा वो सुनिए वो तो अवश्य है, ताकि उनका ये यज्ञ है पूरा हो जाए। और बाकी भी अगर आपके कोई मित्र हैं ऐसे आ सकते हैं तो वहाँ का सैटरडे का दिन है, वैसे भी ऑफिस में कहीं में ऑफ होता है। आप अधिक से अधिक मात्रा में आए, कल यहाँ आएंगे तो उनको भी आनंद आएगा। ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी शांति से सुना है। अब अगर पंडित जी आ गए हैं तो कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। एक शादी में जाते हैं तो बहुत कुछ खाने को मिलता है, हमारा तो ध्यान खाने पे रहता है। अगर भोजन अच्छा हो तो नियोक्ता अपने आप जाते हैं, क्यों समझे, ठीक है ना। तो जितनी पत्नियां वो ध्यान कर ले, देखो भोजन से सब कुछ निप जाता है। कह रहे कि 16,108 रानियां, और वो किस तरह से कृष्ण जी ने उनको निभाया होगा उसका उल्टा भी देखें। हम लोगों का बहुत पुराने समय नहीं हुआ है, और मेरे ख्याल में भाटिया साहब के में भी जरूर देखा होगा कि आज से 50 साल पहले तक भी ऐसा होता था कि तीन तीन शादियां होती थी। आप लोगों ने भी देखा होगा, प्रॉपर शादी है ना। तो उन आपस में झगड़े ना हो, पति के अंदर जो भी कल बताया था ना कि पति के अंदर कुछ भी अवगुण हो उनके बाद भी उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जो ध्यान करना चाहिए। और पति के लिए आज बता दिया, कल पत्नी को शिक्षा दी थी भागवत के माध्यम से, और आज पति को। और दोनों लोग अगर इस शिक्षा को ग्रहण कर लें तो ऐसे क्या बात है। हम लोग ये बड़े परम सौभाग्य की बात है कि ये भागवत महापुराण जब आरंभ हुआ था तो उस दिन ये बताया था कि किसने सुनाया, किसको, सुखदेव। और सुखदेव कौन थे, सुखदेव कौन थे वैसे, शुक नाम क्यों रखा था, शुक तोता। तो ये भागवत क्यों कठिन है और तोता ही क्यों चुना गया, ये जितने भी हमारे यहाँ इसमें सिंबल्स है ना, अगर आप थोड़ा चिंतन करें तो उनके अंदर कोई भी नोके कारण है। जो भागवत आज आप सुन रहे हैं ये वो भागवत नहीं है जो सुखदेव जी ने कही थी। तोता अगर आपने कभी पाला हो, हमने पाला है घर में, और आपने देखा हो तो तोते को आपने जो बोलेंगे वही बोल देगा, अपना कुछ ऐड नहीं कर सकता उसमें कुछ भी। तो जो भी कुछ भगवान से उसने प्राप्त किया सुखदेव ने, वो एज इट इज परीक्षित जी को प्राप्त हुआ, और 18,000 श्लोकों में। और परीक्षित जी ने 7 दिन तक, ये पहले दिन ही बताया था, नॉन स्टॉप डे एंड नाइट विदाउट ब्रेक। अभी तो हम 3 घंटे की पिक्चर देखते हैं उसमें भी इंटरवेल होता है, फिर पॉपकॉर्न चाहिए, कोक चाहिए, है ना। और यहाँ पे तो वह बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती हैं नॉन स्टॉप। 7 दिन तक डे एंड नाइट उन्होंने भागवत का श्रवण किया, उसके बाद जाके उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब समय बदल गया, अभी इंडिया से, इंडिया में बहुत एडवांस हो गए हैं, भाटिया साहब भी इंडिया से आए हैं, हम लोग यहाँ रहने वाले पीछे हो गए जो यहाँ पे आके रहे हैं। यहाँ पे कोई OMG लिखा हुआ आ जाता है कभी, शुरू OMG क्या है, Oh my God, है ना। तो उसकी जो ना फीलिंग खत्म हो गई, अब लिखते हैं पंडित जी JSK। ठीक है,
तो हाँ, हम लोगों की आदत पड़ गई छोटे से छोटे रूप में और पूरी चीज मिल जाए। तो अब भागवत कैसे फिर 18,000 श्लोकों की पढ़े और उसका भाग भी खत्म ना हो, तो इसलिए फिर भाटिया साहब को यहाँ आना पड़ा सिर बैठे, और इन्होंने पूरी भागवत को एक छोटा सरल ग्रंथ में डाल दिया। तो हमें संक्षिप्त भी चाहिए और क्विक चाहिए, 7 दिन डे एंड नाइट तब सुने गए। अगर आप अपने घंटे सोचें, हम लोग अपने घंटे सोचें कि अगर 3 घंटे 4 से 7 तक का टाइम है, 7 दिन में कितने हुए पुष्पा जी बैंक वाले, 21 डेज है ना, 21 आवर्स, 7 दिन में 21 घंटे हुए, और उस 21 घंटे के अंदर भी हम लोग बीच में ब्रेक ले लेते हैं, मेरे जैसे लोग आते भी बाहर में हैं दिन में, तो हम पूरे 21 घंटे भी नहीं लगा रहे। अगर आप औसत निकाल के देखो तो आपने शायद मुश्किल से पूरी भागवतम के लिए 7 दिन के दिन कह रहे हैं, हम 7 दिन से भागवत सुन रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम 7 बार गए थे मंदिर में और उसमें 3 घंटे में से थोड़ी थोड़ी देर के लिए भागवत सुनी थी, तो हमें 7 घंटे भी हमने इसमें नहीं लगाए होंगे, और उसके बाद भी हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, भगवान का हमारे ऊपर कृपा की वर्षा हो रही है, और इस सब का आधार हमारे भाटिया जी हमारे पास लेकर आए हैं। लेकिन हमें इसका कंफर्म कैसे हो कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, भागवत के बीच बीच में बताते जाते हैं कि जैसे जैसे आपके ऊपर प्रभु कृपा का आप अनुभव करते जाएंगे तो आपके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन आते जाएंगे। सबसे पहली बात ये होगी कि जब आप इस मंदिर प्रांगण में रहेंगे धीरे धीरे, तो आप निंदा करनी भूल जाएंगे, डरना भूल जाएंगे। एक बड़ी छोटी सी कहानी है कि एक कोई नव युवक थे, वो नव दंपत्ति है ना, न्यूली वेड, वो एक क्रूज पे गए, क्रूज में सबसे ऊपर बैठे हुए थे और देखा कि अब तूफान आ रहा है और जहाज डूबने वाला है, तो पति जो था वो आंख बंद करके और मुस्कुरा रहा है। पत्नी ने देखा, पैनिक कर रही थी, अभी नई शादी हुई है, उसने उसको हिलाया, उसने कहा तो इतना अनाउंसमेंट हुआ है, इतना बड़ा तूफान आ गया, बाहर देखो सब क्या हो रहा है और तुम अभी भी मुस्कुरा रहे हो आंख बंद करके। राजस्थानी पति था और नया था, शादी हुई थी, तलवार भी होती है, तो उसने तलवार निकाली और पत्नी के गर्दन पर रख दी। अब देखा तो पत्नी मुस्कुरा रही है, उसने कहा तू क्यों मुस्कुरा रही है, तलवार तुम्हारी गर्दन पर रखी है, तुम क्यों नहीं डर रही? कह रही क्योंकि तलवार तुम्हारे हाथ में है, मैं तुम्हें प्रेम करती हूं और इसलिए मुझे इस तलवार का डर नहीं। उसने कहा ये तूफान जो है, ये झंझावात जो है, ये भगवान के हाथ में है और मैं उसको प्रेम करता हूं, इसलिए मुझे इस तूफान का डर नहीं। तो जब आप भागवत सुनते हैं तो आपका प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ता है, और अगर ये प्रेम नहीं बढ़ता तो समझो कि आज बहुत अच्छे भोजन बनाए, वैसे हम खाली उसके लिए आ रहे हैं, और अगर प्रेम बढ़ता है तो समझो प्रभु की कृपा हो रही है और आपके अंदर ऐसी निडरता आ रही है। निडरता की तरफ फोकस नहीं करना, अपने प्रेम की तरफ, अपने आनंद की तरफ देखना, और जितना आप उसकी चर्चा करेंगे उतने ही गुना बढ़ेगा, तो इसको और बढ़ाएं। कल हम ये नहीं कहते अंतिम दिवस है, कल का दिन ऐसा है कि जिस दिन हमें पीक पर पहुंचना है, जो सबसे ऊंचे शिखर पर और पूर्णता को प्राप्त करना है, तो अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई है इन दिनों में सुनने में, तो कल आके और शांति से और एकाग्रचित होकर सुनेंगे। और जादव भाटिया साहब और श्रीमती मंदु भाटिया इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, और जैसे हमारे मंदिर की परंपरा है हम सब लोग मिलके, सब लोग आए मेरे साथ में, जय श्री कृष्ण। चलो चलो, कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब हम आज के कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने कथा को कहाँ विराम दिया था? शादियाँ करते थे, तो कल भगवान की शादियाँ हुई थी और कल दशम स्कंद समाप्त हो गया था शादी के बाद। आज हम 11वें स्कंद में, एकादश स्कंद में प्रवेश करेंगे, जिसका नाम है मुक्ति लीला।
जैसे इस स्कंद का नाम ही है मुक्ति लीला, तो ये स्कंद पूरा मुक्तिदायिनी है, मुक्ति प्रदान करने वाला है। इस स्कंद को जब तक आप पूरे ध्यान से गौर तलक होंगे और पूरा कंसंट्रेशन से नहीं सोएंगे, इसका कुछ भी समय आने वाला नहीं है। ये सबसे कठिन इसका स्कंद है, और बड़े बड़े जब मैंने कथाएं सुनते हैं तो इस स्कंद को वो छूते भी नहीं है, दसवें स्कंद के बाद सीधा बारहवें स्कंद में आके समाप्त कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कठिनाई है। हालांकि मैंने बड़ी कोशिश की है इसको, कई बार इसको पढ़ के सिंप्लीफाई करने की और निचोड़ निकालने की, कितना इसमें कामयाबी मिली ये आप ही जान पाएंगे। तो ये स्कंद भगवान का मुख है, यानी कि भगवान के मुख से कही गई वाणी, जैसे गीता भगवान के मुख से कही गई एक गीत है, गीत रूप में गीता बोली है, ऐसी ये भगवान के मुख से की हुई वाणी है। शुकदेव जी कहते हैं प्रेक्षित जी को, मुक्त तो मन को करना होता है, मन ही है जो मुक्त नहीं है, आत्मा तो हमेशा मुक्त ही है, आत्मा के ऊपर कोई बंदिश नहीं है, आत्मा तो हमेशा मुक्त रहती है। मन जीव को संसारिक विषयों में वासनाओं में भटकाता रहता है, यानी मन के कारण ही जीव अलग अलग आकर्षणों में फंसता है, आत्मा के कारण नहीं, शरीर के कारण नहीं, आंखों के कारण नहीं, कान के द्वारा नहीं, किसके कारण? मन के द्वारा। मन के द्वारा जीव विभिन्न आकर्षण में फंसता रहता है, और फिर ऐसा फंसता है कि मन यदि विषयों को चिंतन छोड़ के ईश्वर का चिंतन करे तो जीव जो आवागमन का चक्कर है उससे मुक्त हो सकता है। जब तक आपका मन भगवान का चिंतन नहीं करेगा, हमारा मन भगवान का चिंतन नहीं करेगा, तो जो आवागमन का चक्कर है, 84 लाख की योनि है, इससे मुक्ति नहीं पा सकता। यही मन अगर भगवान कृष्ण की तरफ लग जाए तो फिर गोलकधाम प्राप्त हो सकता है, गोलकधाम प्राप्त होता है, अगर नहीं तो फिर जीव को ऐसा भटकाता है कि फिर संसार की माया के अंदर इतनी शक्ति है कि संसार की माया की एक छोटी से छोटी चीज हमको कई जन्मों तक भटका सकती है। छोटी से छोटी चीज, हम किसी चीज के भी आकर्षण में फंस जाएं तो छोटी सी चीज कई जन्मों तक भटका सकती है। जैसे हमने भट्ट महाराज जी की कथा सुनी थी, उसमें एक छोटे से हिरण के बच्चे ने उनको एक जन्म और दे दिया था, और फिर तीसरे जन्म को भी मिला, और चौथे जन्म में जाकर उनको तीसरे जन्म के बाद उनको मुक्ति मिली। तो संसार की माया बड़ी प्रबल है, इससे मुक्ति पाना आसान काम नहीं है। जब तक मनुष्य इसमें नहीं फंसे, इसके मन को अपना पूरा नहीं लगाएगा, तब तक जीव इससे मुक्त नहीं हो सकता। जीव अज्ञानता के कारण संसारिक बंधनों में फंसा हुआ है, मोह माया में फंसा हुआ है। वस्तु उसे किसी ने बांधा नहीं है, किसी ने उसको रस्सी पकड़ के नहीं बांधा कि तुम बंधे हुए संसार के अंदर, हम खुद ही अपने जाल के अंदर खुद फंसे हुए हैं, किसी ने हमें बांधा नहीं है। एक बार राजा जनक की सभा हो रही थी, और सभा में गोष्ठी में विचार हो रहा था कि जीव मुक्त कैसे हो सकता है, हम लोग प्राणी जो है इस बंद सरकार से, बंद जो संसार है इसको क्या बोलते हैं, दुखी संतुख दुखालय बोलते हैं इसको, और हम जीव है, बद्ध जीव है, संसार में बधे हुए हैं, तो इस जीव की मुक्ति कैसे हो सकती है, इस पर विचार विमर्श हो रहा था। तो एक ऋषि आए जिनका नाम था अष्टावक्र, जो हर जगह से टेढ़े थे, और आके उसके आंगन में एक खंभा लगा हुआ था, और खंभे पर चढ़ गए और जोर जोर के खंभे को पकड़ लिया, और जोर जोर के शोर में जाते हैं, मुझे छुड़ाओ। तो सारे वो जो ज्ञानी मुनि बैठे थे, जो सभा में विचार कर रहे थे कि संसार से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, कहते हैं आप ही तो उसको पकड़ रखा है, आप उसको छोड़ो तो खंभे को छूट जाएगा। तो कहता यही तो मैं कहता हूँ, आप इतने दिनों से यहाँ विचार विमर्श कर रहे हो, आपने खुद ही संसार पकड़ रखा है, संसार ने आपको पकड़ा नहीं है, हमने संसार को पकड़ा हुआ, हम जब चाहे उसको छोड़ सकते हैं। विवेक, तत्व ज्ञान और इस सब से मिलकर अगर हम भक्ति करें तो ज्ञान से इससे मोह नष्ट हो सकता है। अगर हम तत्व ज्ञान को सीखें कि संसार है क्या, असार है, सारहीन है, संसार के 24 तत्वों से मिलकर ये जीव बना है, और 5 तत्वों से बनकर संसार बना है, अगर इस पर थोड़ा विचार करें तो हम सोचेंगे कि हम शरीर नहीं है, हम क्या है, हम आत्मा है। जब तक ये अनुभूति नहीं होगी कि हम शरीर नहीं है, एक आत्मा है जो अजर है, अमर है, तब तक मुक्ति होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, तब तक हम ये अनुभव नहीं करेंगे। जब ये अनुभव कर लेंगे कि
कि हम एक मुक्ति मुक्त आत्मा है तभी हम इससे जान छुड़ा सकते हैं। मन को कहता है वैराग्यों की ओर लगाओ, मन को समझाओ कि विषय सुखों के अंदर भोग करने से इच्छाएं पूरी नहीं होती, जितने जितने हम भोग करते हैं उतनी उतनी लालसाएं और बढ़ती हैं, एक लालसा पूरी होती है तो और लालसा जागृत हो जाती है। मन को समझाओ जैसे अग्नि में घी डालते हैं तो अग्नि शांत हो जाती है क्या? नहीं शांत होती। ऐसे विषय वासनाएं हमारे मन को भड़काती रहती हैं और जैसे हम विषय वासना पूरी करते हैं तो अग्नि देने के समान वो और भड़कनी शुरू हो जाती है। इसलिए कहते हैं मन को बड़ा शांत करो, सुख और इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, सुख और इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। कल भी शायद मैंने परसों भी कहा था कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमान फिर भी कम नहीं, इतनी अरमान है इतनी इच्छाएं, इसकी कोई सीमा नहीं है। फिर इसका क्या करें? भगवत संबंधी आज्ञा का पालन करें। और हम ऐसा नहीं कहते कि हमारा जीवन व्यर्थ हो जाए, तो अंत आ जाए और हमें लगे कि हमने जीवन अपना व्यर्थ कर दिया, अंत आ जाए शिविर का और लगे कि हमने सारे सारे जीवन में किया क्या है, कुछ नहीं किया। भगवान की आज्ञा का पालन करें और हर वक्त भगवान का जप करें। अगर हम हर सांस में भगवान का जप नहीं करते, हर सांस में भगवान का जप नहीं करते तो सांस का आना जाना ऐसे है जैसे लोहार की धोंकनी, देखिए ना लोहार की धोंकनी वो चलती है, हवा देती है हवा छोड़ती है, हवा लेती है, ऐसे हम सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं। अगर हमने हर सांस में भगवान का नाम नहीं लिया, शांति त्याग और वैराग्य से मिलती है, भोग से नहीं मिलती। जब करते करते मन विषयों की ओर भटकेगा, जब हम जैसे हम भक्ति करने बैठते हैं भगवान का नाम करने बैठते हैं तो जितने ऐसे ऐसे विचार हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं है वो विचार हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। हमारे मन में पता नहीं बचपन की बातें आ जाती हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तब ऐसे हुआ था। कभी वैसे आप घूमते फिरते हो, बातचीत कर रहे हो, टेलीविजन देख रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो बातें याद नहीं आएंगी, लेकिन जैसे ही भक्ति की ओर जाएंगे भजन की ओर जाएंगे वो सारी बातें सामने आने शुरू हो जाती हैं, मन भटकने लगता है। तो कहते हैं अपनी इंद्रियों को तृप्त मत करो, अपने इंद्रियों को भगवान की ओर डाइवर्ट करो। इंद्रियों को तृप्ति तो हो नहीं सकती तो अपने इंद्रियों को भगवान की ओर लगा दो, भगवान की ओर लगाओगे तो डाइवर्ट हो जाएंगी तो मन भी आपका इंद्रियों के पीछे पीछे जाएगा। मन कहाँ जाता है? जहाँ इंद्रियां जाती हैं। तो जब जीवन में भक्ति आ जाए वैराग्य आ जाएगा तो मन विषयों से हट जाएगा। जब जीवन के अंदर थोड़ी भक्ति आएगी, थोड़ा संसार की मोहमाया से हमारा मन भरेगा, तब जीवन में क्या होगा? हमारा मन विषयों से हट जाएगा और मन में वैराग्य आएगा। मन शांत हो सकता है तभी जब हम भक्ति भाव करेंगे और वैराग्य करेंगे। जैसे मक्खन से अगर कभी आपने घी निकाला हो, मक्खन से घी निकालते हैं तो मक्खन से जब घी निकालते हैं तो आवाज आती है शूं 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 की, क्यों आती है? क्योंकि उसके अंदर कुछ त्रुटियां हैं, उसके अंदर कुछ कमियां हैं। जैसे जैसे वो मक्खन घी बन जाता है वो आवाज आनी बंद हो जाती है। जैसे जैसे हमारा मन शुद्ध होगा निर्मल होगा ये जो आवाज आती है ना हमको जगह जगह भटकाने वाली, ये आवाज शांत हो जाएगी। कब होगी? जब हमारे घी का मन के घी का मक्खन बन जाएगा, प्योर मक्खन से घी बन जाएगा तो मन शांत हो जाएगा, मन हमारा दोष मुक्त हो जाएगा तो आवाज होनी बंद हो जाएगी। तो कहते हैं इस तरीके से अपने आप को समझाओ कि मन को शांत करना है। भक्ति का बीज पढ़ते हुए पता नहीं लगता कब किसका मन का भक्ति का बीज जल जाए, आपको पता नहीं लगेगा कि मैंने भक्ति मेरी शुरू हो गई, शुरू थी पहले लेकिन उसका बीज अब फूलना फलना शुरू हो गया है। जैसे जैसे ये भक्ति का वृक्ष फूलेगा फलेगा तो ये बड़ा पौधा बनेगा, बड़ा पौधा बनेगा। इसको बार बार देखो मत, बिल्ली जैसे आती है ना जमीन को कुदेरती है तो कुदेर के वो क्या होती है खड्डा बनाती है, तो अपने भक्ति के बीज को अपने हाथों से कुदेर कुदेर के मत देखो कि फूलना शुरू हो गया नहीं हुआ, इसका बीज अंकुरित होना शुरू हो नहीं हुआ, इसको फलीभूत करो। जब ये भक्ति का पेड़ बड़ा हो जाएगा एक पेड़ बन जाएगा तो इससे आपके हाथ ही बांध लो, फिर भक्ति आपकी इतनी दृढ़ हो जाएगी, इतनी दृढ़ हो जाएगी कि उससे कुछ भी करो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से अपनी भक्ति को इस तरीके से करो कि वो निष्ठावान हो जाए, निष्ठावान हो जाए। एक बार की बात है बंदरों ने देखा कि ये जो इंसान है जमीन की खेती करते हैं तो कहते हम भी कर सकते हैं, इसमें क्या मुश्किल है, वो थोड़ी जमीन खोदते हैं बीज डालते हैं पौधे बन जाते हैं उपज हो जाती है। तो उसने कहा हम भी इसमें, बंदरों ने कहा हम भी इसको डालते हैं, क्या बीज डालते हैं जमीन के अंदर
अब उनको ये तो पता नहीं था कि जमीन में खाद डालते हैं, साथ में खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, फिर अपने आप अंकुरित होते हैं। उन्होंने आदमियों को देखा कि ऐसे जमीन खोदते हैं, उसमें बीज डालते हैं और पौधे बन जाते हैं। उन्होंने भी, बंदरों ने भी कहा हम भी करते हैं खेती। उन्होंने जमीन खोदी, उसके अंदर बीज डाल दिए, बीज डाल दिए, एक दिन निकला, दो दिन निकले, तो बंदर थोड़े शरारती होते हैं, उनके अंदर मन में शांत होता नहीं, शांति तो होती नहीं है, तो खोद के रोज देखते हैं कि हमारे बीज में से वो निकल रहे कि निकल रहे पौधे, तो सारी उम्र निकल जाएगी, उस बीज का कभी फलित नहीं होगा, कभी उससे निकलेंगे पौधे पर अंकुरित नहीं होंगे। ऐसे अपनी भक्ति को रोज रोज देर के मत देखो कि मेरी भक्ति पनप रही या नहीं पनप रही, सिर्फ अपने मन को डाइवर्ट करके भगवान की ओर लगाओ, तो आपके आपके मन के अंदर जो भक्ति के बीज पड़े हैं वो धीरे धीरे खुद अंकुरित हो जाएंगे और एक दिन पौधा बनेंगे और पौधे के बाद वृक्ष बनेंगे और वृक्ष इतने मजबूत आएंगे कि कोई हवा, तूफान, आंधी, संसार की आंधियाँ, विषय वासनाओं की आंधियाँ उसको मिटा नहीं पाएंगे। तो अपनी भक्ति को धीरे धीरे भगवान के चरणों में अर्पित करो और इसको दृढ़ करो दिन पर। जैसे जैसे हम दृढ़ करेंगे हमारी भक्ति भावना बढ़ेगी, तो हमें मुक्ति की राह भगवान को दिखाएंगे, भगवान खुद आपकी हमारी उंगली पकड़ेंगे कि आओ बेटा मैं तुम्हें आगे बढ़ा। इस प्रकार सुखदेव जी समझा रहे हैं किसको, कृष्ण जी को समझा रहे हैं। तो इतनी बार समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है कि नारद जी आए घूमते हुए अपनी वीणा बजाते हुए वसुदेव जी के पास, कृष्ण जी के पिता है, उनके पास आए, तो पिताजी बड़े खुश हुए उसके, कृष्ण जी के पिता वासुदेव जी बड़े खुश हुए और उन्होंने उसकी विधिवत प्रार्थना की, पूजा की, उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा, वसुदेव जी ने कहा कि मैंने पूर्व जन्म में भक्ति की थी, बड़ी घोर तपस्या की थी, तब भगवान हमारे घर में पुत्र रूप में आए हैं, पुत्र रूप में आए हैं। तो उन्होंने कहा पुत्र रूप में आए हैं, पर मुझे हमेशा यही लग रहा है कि भगवान मेरे पुत्र हैं, कभी मैंने उनको भगवान रूप में देखा नहीं है, भगवान रूप में माना नहीं है, मैंने उनको पुत्र रूप में माना है और मेरे अब जीवन का अंत हो गया है, अंत आने वाला है, पर उनको मैंने कभी उनको ऐसे भक्त उनकी पूजा नहीं किया, मैंने हमेशा उनको क्या किया है, पुत्र रूप में माना है। तो अब मुझे बताओ कि आप मुझे उपदेश दो कि मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे मुक्त होगा, क्योंकि मैंने तो अपने कृष्ण को पुत्र माना है, ना कि भगवान माना है। तो उन्होंने कहा संसार के, मैं ऐसा मुझे उपदेश दो कि मैं संसार के भव सागर से मुक्त हो जाऊँ। नारद जी ने वसुदेव के प्रश्न की प्रशंसा की, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ भगवत संबंधी बातें बताता हूँ। उन्होंने कहा तुम्हें जो प्रश्न किया है उसके बारे में एक इतिहास है, नौ योगेश्वरों का और विदेहराज निमि का, एक राजा था विदेहराज निमि, उसके राज्य में नौ योगेश्वर घूमते घूमते एक दिन आ गए। उस वक्त की बात है जो भारतवर्ष का पहले का नाम क्या था, भारतवर्ष का आज नाववर्ष, आज भारतवर्ष कहते हैं उसको, पहले उसका नाम था अजनाभवर्ष। अजनाभवर्ष के अंदर विदेहराज निमि थे, उनके महल में घूमते हुए नौ योगेश्वर आ गए और उन्होंने योगेश्वरों के पांव धोए, उनको प्रणाम किया और योगेश्वरों को कहा कि आप हमें एक छोटा सा प्रश्न हमारे हैं उनका उत्तर दीजिए। जैसे हम लोग कई बार प्रश्न पूछते हैं किसी से और हमें कहते हैं कि हमें मन की संदेह है, हमारे मन का कोई डाउट है, उसको क्लियर करो। तो उन्होंने तीन प्रश्नों का एक पत्र, एक प्रश्न बना के बोला है, उसके तीन पार्ट है। उन्होंने कहा परम ईश्वर का स्वरूप क्या है, पता हमारे परम ईश्वर कैसे हैं, तो उनका स्वरूप क्या है, उन्हें पाने का साधन क्या है, उन्हें कैसे पाया जा सकता है, भगवान को पाया कैसे जा सकता है और भगवत धर्म क्या होता है। ये तीन प्रश्न बना के उन्होंने एक ही प्रश्न में डाले कि भगवान का स्वरूप क्या है, उन्हें पाने का साधन क्या है, तरीका क्या है और भगवत धर्म क्या होता है। तो राजा निमि के ऐसे प्रश्न सुनकर योगेश्वरों ने, फिर नौ योगेश्वरों ने अलग अलग नौ बारी इन प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन इसलिए अगर तीन प्रश्नों के नौ योगियों से प्रश्न आंसर सुनेंगे तो बहुत विस्तार में हो जाएंगे और कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए एकादश स्कंद बड़ा कन्फ्यूजिंग है और बड़ा डिफिकल्ट है। तो इसको मिला के हम एक संधि विच्छेद संधि करते हैं ना, चीजों की संधि करके इनके उत्तर की खोज करने की प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा श्री कृष्ण का स्वरूप है अंशी के समान, जो हमें अंश देता है, अंशी होता है जो सोर्स होता है, सोर्स से हमको चीज प्राप्त करते हैं। सभी जीव मात्रों का, संसार का, संसार की वस्तुओं का जो सोर्स है वो भगवान है, अंशी भगवान है और हम उसके अंश हैं।
यही अंशी को हम ईश्वर परमेश्वर परमात्मा भगवान गॉड जिसे कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन सब उसके उसी से निकले हुए हैं। वो बीज प्रदाता है और हम उसके उगे हुए पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे। भगवान ने अपने बीज लगाए हैं, आदि बीज से हमें पैदा किया है और हम वही भाई धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। ईश्वर से अगर मिलना है, ईश्वर से अगर मिलना है तो भी सुख शांति प्राप्त होगी। बिना ईश्वर के मिले जीव को सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप से किसी मेले के अंदर फेर के अंदर खो जाए तो बच्चा क्या करता है, रोना शुरू करता है, मम्मी पापा बोलता है, खो जाता है। उसको अगर कोई दूसरा आदमी मिल जाए तो क्यों रो रहा है, तो कहता मुझे मम्मी पापा चाहिए, कहते चलो उनको ढूंढते हैं, ये पकड़ तब तक खिलौना ले लें, ये आइसक्रीम ले लें, कुछ उसको देने की कोशिश करते हैं। बच्चा एक मिनट के लिए आधे मिनट के तो चुप हो जाएगा, लेकिन फिर वही मम्मी पापा बोले। तो हम भी सब उस परमात्मा से बिछड़े हुए इस संसार के अंदर बिछड़े हुए हैं। हमें भगवान हमें दुनियादारी लोग छोटे छोटे खिलौने देते रहते हैं, ये आपकी पत्नी है, ये आपके बच्चे हैं, ये आपका संसार है, ये देते रहते हैं, लेकिन हमें शांति नहीं मिलती। इस संसार से, इन बच्चों से, इस पत्नी से, इस पत्नी से संसार में शांति नहीं मिलती। शांति कब मिलेगी, जब ये पिछड़ा हुआ जीव अपने अंशी से मिलेगा, अपने परमात्मा से मिलेगा। शांति है जब हम उसकी शरण में जाएंगे, जब उसके शरण में जाएंगे तब हम निर्भय होंगे, हमें किसी किस्म का भय नहीं रहेगा। अदरवाइज संसार की हर वस्तु के साथ भय जुड़ा हुआ है। संसार की कोई वस्तु उठा के देख लो, आज हमें लगता है कि हमारे पास अच्छा सुंदर मकान है, बंगला है, ऐसा लगता है कल को पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका नाश तो नहीं हो जाएगा, हमारे पर कर्ज तो नहीं होगा, है आज हमारे पुत्र हैं हमारे पास, कल को पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, पुत्र रहेंगे नहीं रहेंगे। हर चीज़ का धन के साथ जितनी भी है संसार के अंदर कोई भी वस्तु ले लो उसमें भय जुड़ा हुआ है। भयहीन अगर होना है तो संसार में भयहीन नहीं हो सकते, तभी भयहीन हो सकते हैं जब हम अपने मन को संसार के साथ छोड़कर और भगवान के साथ जोड़ देंगे। यही सीधा साधा इसको योग बोलते हैं। कहीं कहते ना योग क्या होता है, योग होता है अगर योग फल आपने बचपन में किया हो तो योग क्या होता है, एक और एक जमा करते हैं तो दो हो जाता है, ये जमा करना योग है, अपने आप को भगवान के साथ मिला देना, ये सीधा साधा कहते हैं योग है, योग करना है अपने आप को भगवान के साथ मिला दो। तो दूसरे प्रश्न का उन्होंने दिया उत्तर कि भक्तों के हृदय में कभी दूर ना रहने वाले भगवान को नित्य निरंतर उपासना करना, उपासना करना, नवदा भक्ति करना, यही उसको पाने का साधन है। भगवान को पाने का साधन क्या है कि हम भक्ति करें। सबसे सरल मार्ग, अभी गीता का थोड़ा सा इसमें चर्चा आएगी, सबसे सरल मार्ग जो तीन मार्ग बताए गए हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, गीता के अंदर सबसे सरल, सबसे आसान और सबसे सुंदर और सबसे कल्याणदायी भक्ति का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। तो उन्होंने कहा भगवान के साथ भक्त अगर हमेशा निरंतर उनकी उपासना करे, नवदा भक्ति करे, भगवान का भजन कीर्तन करे तो भगवान को शीघ्र पा सकता है। लेकिन आपके हम भक्ति के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, बिना प्रेम के बिना श्रद्धा के वो उसका कोई फल नहीं होगा। अगर आपका मन हमारा कहीं और भटक रहा है और भगवान को याद करें धीरे धीरे, नहीं कहता कि आज आप शुरू करोगे तो आज का ही आप मन पूरा लग जाएगा, धीरे जैसे जैसे भक्ति आपकी बड़ी होगी, एक पौधा बनेगी, एक वृक्ष बनेगी, तो मन हमारा भगवान के ऐसा जुड़ जाएगा कि संसार में नहीं दिखेगा, सिर्फ भगवान दिखेंगे। फिर तीसरा उन्होंने कहा हम शरीर से, वाणी से, मन से, बुद्धि से परम ईश्वर भगवान को समर्पित हों, ये सीधा साधा भागवत धर्म है। अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने कर्मों से, अपने सब ध्यान से परम पुरुष भगवान को समर्पित हों, ये सीधा साधा भागवत धर्म है। सभी कार्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करो। हम जो काम कर रहे हैं सोचो कि इस काम से मेरे प्रभु खुश होंगे या नहीं होंगे। अगर हम किसी को मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं तो इस काम से क्या प्रभु खुश होंगे, तो ये काम नहीं करना। जिस काम से हमें लगे कि हमारे प्रभु खुश नहीं हो रहे वो काम नहीं करना हमको। सारी क्रियाएं सारे कर्म भगवान को अर्पित करते चलो, तो कहते हैं ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो भगवान को हम अपना हर कर्म अर्पित कर रहे हैं, और कौन सा काम अर्पित करें जो भगवान को मंजूर हो। आप मुझे कोई चीज दो और मैं उसको अच्छा नहीं करता, इसका मतलब देने योग्य नहीं है। आप भगवान को हर कर्म अपना अर्पित करते चलो, ऐसा कर्म करो जो भागवत संबंधी हो, तो नित्य जीवन के निर्वाह रहते हो, नित्य कर्म करते हुए प्रभु को हमेशा याद रखो। दिन में आप जितने भी काम करते हो, काम करते हुए भगवान को याद रखो। कोई लोग कहते हैं बात मिलते हैं, कहते हैं मेरा समय नहीं है भगवान की भक्ति करने का,
मंदिर में आने का, पूजा पाठ करने का, आरती करने का हमें समय नहीं है। तो उनको कहो कि छोटी सी बात है, आप जब भी जो भी काम कर रहे हैं, जिस काम में भी लगे होंगे, ए टू लेके जेड कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम को करते रहो। काम अपने हाथों से कर रहे हो, है अपने दिमाग से कर रहे हो, आंखों से कर रहे हो, कान से कर रहे हो, लेकिन जीभ से कर रहे हो, मुंह से कर रहे हो, हर एक आदमी का अलग अलग काम है। लेक्चर आ रहे तो बोल रहे हो, कॉलेज के अंदर सब अलग अलग काम करते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन मन हमेशा सबके अंदर है। तो आप मन से भगवान को याद करते रहो, आप काम करते रहो अपने हाथों से, भगवान को याद करते रहो। जैसे आप घर में करते हो, घूर कर रहे हो, सफाई कर रहे हो, हैं कोई साफ सफाई कर रहे हो, भगवान का नाम मन से तो बोल सकते हो। घूर कर रहे हो आप, सफाई कर रहे हो, पोछा कर रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, खाना पका रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें हम मन से भगवान को याद कर रहे हैं। आप जॉब पे बैठे हैं, भगवान का मुंह पे नाम नहीं ले सकते, तो आप अपने मन में भगवान का जाप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण करते हैं, उसको तो आपको देंगे मन से आप कर रहे हैं। तो मन जब आप मन को आप ऐसे हर वक्त विषयों की जगह भगवान का नाम दोगे, तो मन अपने आप भगवान की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं, अगर आपको कोई साथ में मिले, प्रतिदिन सत्संग में मिले, सत्संग जैसे रोज रोज बैठ के नहीं हो सकता, मंदिर में आओ, कई बार नहीं आ सकते हम, हफ्ता हफ्ता नहीं आते, महीना में नहीं आते, तो मन में बैठकर ही, घर में बैठकर ही मन भगवान के चरणों में अर्पित करो और ध्यान भगवान की तरफ करो। अगर आपको साथ नहीं मिलता तो अकेले करो, अकेले करो, जब करो, सत्संग करो, सत्संग करने से मन शुद्ध होता है। विषय वासनाओं का, लालसाओं का भोग करने की क्षमता और सुविधा होने पर भी जो उसका उपयोग नहीं करता, उसका मन वो एक सच्चा वैष्णव है। आपके पास सुविधा भी है, आपके सब कुछ है, आपके पास पैसा भी है, आप उस पैसे को गलत कामों में इस्तेमाल भी कर सकते हो, दुनियादारी के विषय वैभव में सब में इस्तेमाल कर सकते हो। आपके सुविधा भी है, आप हर चीज़ डाइजेस्ट भी कर सकते हैं, नॉन वेज भी खा सकते हैं, शराब भी पी सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, दुनिया का नशा कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं करते, तो इसका मतलब आप वैष्णव है। आपके सुविधा भी है, आपके क्षमता भी है, लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करते, तो आपका आप उसको कहते हैं वो सच्चा वैष्णव है। जिसका मन भगवान की तरफ लग जाए तो वैष्णव बनता है। तो जगत में जितनी भी साधना है, ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है, उन्हें जगाने वाले सिर्फ आप ही हैं। हम उसके जगाए बिना किसी चीज जागती नहीं है, चाहे हमारे कर्म हो, चाहे भक्ति हो, चाहे साधना हो, भगवान के जगाने के बिना ये जगती नहीं है। आपके मिटाए बिना माया भी नहीं मिट सकती। जो माया को पार करना चाहता है, उसे अपनी मन मर्जी करने के बजाय किसी गुरु को धारण करना चाहिए, अपनी मन मर्जी नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि उसको पता नहीं है, उसको रास्ते का पता नहीं है, लेकिन गुरु उस रास्ते से पहले जा चुका है, उसने सत्य के दर्शन किए हैं, उसने भगवान के दर्शन किए हैं। तो ऐसे नेक, ऐसे विनीत, ऐसे संत के पास जाओ और उनसे स्वरूप सिद्ध से, पुरुष से, गुरु से आप भक्ति सीखो, निष्ठा सीखो। कैसे हम निष्ठा और भक्ति सीख सकते हैं? ऐसे जिज्ञासु के पास जाओगे तो आपको वो मोहमाया से छूटने का रास्ता बताएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद मोहमाया छोड़ रखी है। तो कहते हैं विलासी और पखंडी गुरु को जो है पास जाओगे तो वो अपना भी कल्याण नहीं करता और शिष्यों का कल्याण भी नहीं करता। इसको कहते हैं पखंडी गुरु, कहना नहीं चाहिए व्यास गति से, लेकिन दुनिया में पखंडी गुरु आजकल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उनके पास जाते हैं, हम ही खुद गलत हैं इस करके गुरु गलत है। गुरु गलत नहीं होता, लेकिन उसके शिष्य उसको गलत बना देते हैं। आते हैं और गुरु से क्या मांगते हैं? संसार मांगते हैं कि हमारे घर पुत्र नहीं हो रहा, हमारे पुत्र पास नहीं हो रहा, हमारे घर ये समस्या है। तो गुरु से क्या है, संसार मांगने के बजाय गुरु से क्या मांगो? भक्ति मांगो कि हमें बताओ कि हमारा कल्याण कैसे हो सकता है, हम कैसे विषय वासनाओं से छूट सकते हैं, कैसे हम धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। तो अगर हम ये चीजें सीखेंगे तो आपको सच्चा गुरु, चाहे भगवान को खुद नीचे आके आना पड़े, वो आपका मार्गदर्शन करेगा। भगवान खुद आके आपका मार्गदर्शन करेगा कि इस गुरु के पास जाओ। लेकिन अगर आपको यही मन में है कि मुझे संसार मांगना है, संसार की चीजें मांगनी है, संसार के जीव मांगते हैं, तो फिर गुरु अनेक है, अनेक गुरु है, किसी गुरु को धारण करने को रोक नहीं पड़ेगा। ऐसे गुरु ना अपना कल्याण करते हैं और ना शिष्यों का करते हैं। इस तरीके से भगवान समझा रहे हैं कि अपने मन, वचन और कर्म से किसी को बुरा मत करो, आप मत अपने मन से भी मत सोचो। कबीर कहते हैं हम भगवान प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसने मेरे साथ बुरा किया है, आप खुद ही देख लेना, मैं तो उसका कुछ नहीं कर सकता, आप खुद ही देख लेना। तो ऐसे भगवान को मन में भी मत करो है कि आप तो जाने योग हो, देखो उसने मेरे साथ बुरा किया है, आपके बिना कहे गए। तो मन में भी ऐसा विचार नहीं जाना कि किसी को बुरा हो, न वचन से और ना कर्म से,
किसी का बुरा मत करो, किसी को मत सताओ। रोज प्रार्थना करो भगवान से, भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना करो, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, मेरे अपराधों को क्षमा करो। दूसरों को मरते हुए देखकर और ये सोचना कि हमारे पास बहुत टाइम है, हमारी से मृत्यु हुई है, मृत्यु उसकी हुई है, हमारे पास बहुत टाइम है और हमारे सत्कर्म करने का और भक्ति करने का बहुत समय है। तो ये किसी को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी और को धोखा नहीं दे रहे। इस तरीके से ये कौन समझा रहा है सारा? योगेश्वर समझा रहे हैं निमि जी को, निमि जी को समझा रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा, फिर योगेश्वर ने भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया, जैसे 24 अवतारों का वर्णन हमने दूसरे स्कंद में किया था, तो भगवान को उन्होंने 24 अवतारों का वर्णन किया। और उसके बाद वो कहते हैं कि फिर उन्होंने कहा कि भगवान की पूजा विधि का तरीका क्या है। योगेश्वर ने निमि को समझाया है कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है, उसकी विधि क्या है। तो उन्होंने कहा जब सतयुग था तो उसमें भगवान का जो शरीर विग्रह होता है उसका रंग था सफेद, व्हाइट कलर के थे वो, उनकी चार भुजाएं थी। सतयुग में भगवान की पूजा मन को वश के करने, मन को अपने वश में करके और ध्यान पूर्वक तपस्या से करते थे। पहले जब सतयुग था तो भगवान की पूजा की विधि क्या बताई? तपस्या। क्योंकि पुरुषों की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी, जीवों की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी, और उसमें 30,000-40,000 वर्ष तो भगवान की तपस्या करते थे। इस बात है सतयुग की। फिर आया उसके बाद त्रेता युग। तो त्रेता युग में कहते हैं भगवान का जो विग्रह होता है शरीर विग्रह, उसका रंग होता है लाल। इस युग में अधिकांश लोग वेदों में निपुण हैं, तुम्हारे वेद हैं पुराण हैं, वो लोगों को मुझमानी याद थे, श्रुतियों के तौर पर याद थे, और भगवान की पूजा आराधना यक्ष करते थे और वेदों का मंत्र उच्चारण करते थे, वेद करते थे और यज्ञ करते थे और वेदों का मंत्र उच्चारण करते थे। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान के शरीर विग्रह का रंग होता है सांवला, सांवले रंग के। ये पीतांबरी पहनते हैं और इनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म होते हैं, कमल होता है। इस युग में लोग भगवान की स्तुति श्री विग्रह के माध्यम से करते हैं, श्री विग्रह की पूजा करते हैं, पूजा करते थे द्वापर युग में, और कहते थे भगवान हमारे जो है इतने विग्रह इतने तेज वाले होते थे कि उसमें चेतना होती थी, उसको चेतन मानते थे। तो उसने कहा भगवान वासुदेव, अब हम आपको बारम्बार भगवान वासुदेव को कहते हैं बारम्बार प्रणाम करते हैं। और उस वक्त मनुष्यों की आयु थी सिर्फ 1,000 वर्ष त्रेता युग के अंदर, द्वापर में। त्रेता में 10,000 थी और द्वापर में 1,000 थी। फिर कलयुग आया, कलयुग में मनुष्यों की आयु रहेगी सिर्फ 100 वर्ष। कलयुग में भगवान के शरीर विग्रह का रंग है काला, काले रंग के हैं वो ज्यादा भगवान के। इस युग में भगवान के नाम जपना, भजन करना और भगवान के सत्संग करना, ये तीन माध्यम बताए गए हैं भगवान की पूजा के। कौन कौन से? जप करना, भगवान के नामों का जप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे, ऐसे जप करना, भगवान का भजन करना, कीर्तन करना और भगवान की सत्संग करना, ये तीन प्रमुख विधियाँ बताई गई हैं कलयुग में। इस प्रकार योगेश्वर ने राजा निमि को उपदेश दिया, इस तरह उपदेश दिया। फिर अंत में नारद जी ने वासुदेव जी को कहा, क्योंकि बात वासुदेव और किसके बीच में चली है? नारद जी के बीच में चली है। नारद जी से क्या प्रश्न पूछा था उन्होंने, क्या प्रश्न किया था? कि मैं अपने किशन है उसको पुत्र रूप में मानता हूँ, मुझे भगवान रूप में नहीं दिखते, तो मुझे को ऐसी विधि बताओ, मुझे लगता है कि मेरे को ये जो जन्म मृत्यु है इसे मैं पार नहीं पा सकता, तो आप मुझे ऐसी विधि बताओ कि मैं जन्म मरण से मुक्त कर लूँ। ये प्रश्न उनका था। उसके बाद नवयुगेश्वर का वर्णन आया, तो उन्होंने अब नवयुगेश्वर को इस युग में उन्होंने फिर आगे बताते हैं। इस प्रकार योगेश्वर ने राजा निमि को उपदेश दिया। अंत में नारद जी ने वासुदेव जी से कहा, सब देवताओं का, ऋषियों का और पितरों का हम ऋण लेके पैदा होते हैं। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे पर ऋण होते हैं। किस किस के होते हैं? देवताओं के, ऋषियों के, हमारे पितरों के, हमारे पूर्वजों के। तो जो हम श्राद्ध करते हैं ना पितरों का, कि थोड़ा सा हमारा ये ऋण कम हो जाए, तो कहते हैं पितरों का ऋण हम लेके पैदा होते हैं, इनके ऋण से छुटकारा मिल सकता है अगर हम भक्तिभाव करें। तो वसुदेव जी, आप तक आप ऋषियों और पितरों के ऋण से तो मुक्त हो चुके हो, क्योंकि तो पुत्र को आप मानते हो, श्राद्ध करते हो, पुत्र को मानते हो, लेकिन भगवान को अभी नहीं मान रहे। तो आप यज्ञों द्वारा भगवान को मानो, देवताओं का ऋण आप तभी छुड़ा पाएंगे। आप भगवान को मानो, यज्ञ करो। आप यज्ञ आपने नहीं किए जीवन के अंदर, वसुदेव जी को कहते हैं अब यज्ञ करो,
यज्ञ करने से, क्योंकि द्वापर युग था, ये द्वापर युग में यज्ञ भी एक विधि बताई गई थी सारे ऋण उतारने के लिए। तो उन्होंने कहा इस प्रकार आप सबसे उलन हो जाएंगे, सबका ऋण उतर जाएगा और ग्रह त्याग करके भागवत धर्म का आचरण करो। भागवत धर्म में बताया है कि भागवत धर्म क्या होता है, भगवान का स्वरूप क्या होता है, भगवान को पाने का क्या साधन है, तीन प्रश्न थे ना। तो इस तरीके से भगवान की आराधना करो, यज्ञ करो, अब अधिक समय आपके पास नहीं बचा है, आपके जीवन में अब अधिक समय नहीं बचा है। श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ना मानो, वह तो साक्षात भगवान है। नारद जी ने बोला है कि वो तो साक्षात भगवान है, उनको पुत्र मत मानो, आप भी उनकी भक्ति करो, आराधना करो, वही आपका कल्याण करेंगे। नारद जी के मुख से ये सब बातें सुनकर वसुदेव और देवकी को बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि हमें आज एक महापुरुष मिला जिसने हमारा मार्गदर्शन किया है। उनमें जो कुछ मोह माया बची थी उन्होंने उस एकदम उसको छोड़ दिया और यज्ञ किया और भगवान की भक्ति में लीन हो गए, भगवान की भक्ति में लीन हो गए। इस प्रकार योगेश्वरों का संवाद चल रहा था। फिर व्यास अंदर सुखदेव जी से कहते हैं, सुखदेव जी व्यास के पुत्र थे, इसलिए उनको कहा गया व्यास नंदन। वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने युद्धवंशियों के साथ मिलकर बहुत से देवताओं का, असुरों का संहार किया था तथा महाभारत के युद्ध में पांडवों और कौरवों के बीच बहुत राजा मारे गए थे। इतनी अक्षिणी सेना थी वो सारी की सारी मारी गई थी। तो उन्होंने कहा जो सारी अक्षिणी सेना मारी गई थी और कौरवों को भी युद्ध में मुक्ति मिली थी और पांडवों को भी, जिससे धरती का भार काफी कम हो गया था, क्योंकि भगवान ने जन्म किसलिए लिया था, अवतार किसलिए लिया था कि धरती का भार बोझ कम किया जाए और अपने भक्तों का आनंद प्रदान करो, इसलिए अवतार लिया था। तो कहते हैं भगवान कहते हैं कि जब भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की हानि होती है तब तो मैं संसार में आता हूँ, दुष्टों का नाश करता हूँ और अपने भक्तों को अपनी लीला से प्रसन्न करता हूँ। अपनी लीलाएं जितनी भगवान की हमने याद की थी ना, जैसे पूरे स्कंद के अंदर हमें भगवान की बचपन से लेकर जन्म से लेकर और अब तक की सभी लीलाएं, शादी तक की उनकी सब लीलाएं उनको हमने सुनी है। तो कह रहे जब मैं आता हूँ तो भक्तों को अपनी लीला से प्रसन्न करता हूँ, उनका उद्धार करता हूँ। सभी देवी देवता तथा ब्राह्मण आदि ने भगवान से प्रार्थना की कि आपने अब धरती से लगभग सब असुरों का समाप्ति कर दी है और आप अपने लोक में वापस आ जाओ, क्योंकि धरती का बोझ अब हल्का हो गया है, धरती माँ प्रसन्न हो गई है, अब अपने लोक में आ जाओ, आपकी वहाँ भी आवश्यकता है, जैसे अच्छे लोगों की यहाँ आवश्यकता है तो ऊपर भी होती है ना, जैसे भगवान को सारे ब्रह्मा और देवी देवता मिलकर आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं कि आप अपने लोक में वापस हो जाओ। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं आपकी प्रार्थना के ऊपर विचार विमर्श करता हूँ। तो भगवान ने विचार विमर्श किया, उन्होंने देखा कि धरती का भाग तो वाकई हल्का हो चुका है, हैं? और उसने कहा लेकिन मैंने अपनी लीलाएं तो कर ली हैं पूरी, पांडव को राज भी दे दिया है, धर्म की स्थापना भी कर दी है, किंतु एक अभी कारण बचा है, एक मेरा अभी कार्य बचा है, जब तक मेरे कार्य शेष नहीं होते तो मैं वापस जाता हूँ, बार बार तो आना बड़ा मुश्किल है, तो सारे कार्य करके जाऊँगा। तो उन्होंने कहा जो यदुवंशी बचे हैं जो मेरे आश्रय में रहकर मेरे भरोसा लेके मेरे छत्रछाया में बड़े पनप रहे हैं और बड़े उदंड हो रहे हैं और बड़े अभिमानी हो गए थे, अहंकारी हो गए, उनमें अहंकार उनमें घमंड बढ़ता जा रहा है और बड़े उदंड हो गए, बड़े शरारती हो गए, यदि इनका सहारा किया तो समस्त भूमंडल पर विध्वंसी छा जाएंगे और फिर वो असुरों की तरह व्यवहार करेंगे। जो विध्वंसी हैं इतने लाखों हैं, अगर इनका सहारा किया गया, इनको नष्ट मिला गया, ये क्या है, इनको तो कहते हैं भगवान तो हमारे घर के हैं, हमारे घर के हैं, हमारे पास तो किस चीज़ की कमी नहीं है, धन ऐश्वर्य संपदा है, सब कुछ है हमारे पास, तो वो क्या है मदमस्त हो जाएंगे, मदमस्त हो जाएंगे तो वो क्या कैसे व्यवहार करेंगे, अभी तो मेरे छत्रछाया में है, मेरे कंट्रोल में है, लेकिन मेरे जाने के बाद कैसे हो जाएंगे, असुर हो जाएंगे, राक्षस की तरह हो जाएंगे। तो जब तक मैं इनका सहारा नहीं करूँगा तो फिर धरती फिर बोझ के नीचे आ जाएगी, तो मुझे इनका जाने से पहले इनका सहारा करना है। जैसे जंगल में बांस लगे हों, सूखे बांस लगे हों, तो बांस के आपस में रगड़ खाते हैं, रगड़ खाने के बाद उनसे आग निकलती है और उस आग से फिर पूरा जंगल जल जाता है। तो कहता है इस तरीके से इसमें ऐसे लीला करूंगा कि खुद ही आपस में रगड़े जाएंगे और रगड़ के खुद ही पूरा का पूरा जंगल रिजर्वेशन का समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से भगवान ने सोचा। और एक बार पिंडारक क्षेत्र है गुजरात के अंदर, पिंडारक क्षेत्र के अंदर कुछ ऋषि मुनि जैसे विश्वामित्र दुर्वासा वशिष्ठ वगैरह ये एक जगह पे आराम कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे और विध्वंसी भी बताया भगवान ने कि डंडे होते जा रहे थे,
शरारती होते जा रहे थे, है ना। तो उनके उनको क्या था, उनको हर चीज का घमंड होना शुरू किया था। हमारे पास दुनिया का हर ऐश्वर्य है, हमारे पास दुनिया का सब चीज है। तो उन्होंने जितने ऋषि इकट्ठे हुए थे, कश्यप मुनि, दुर्वासा मुनि, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, तो उनके पास खेलते खेलते ये सारे बच्चे गए, ये ऋषि बच्चे गए। उनमें जो प्रमुख था उसमें जामंती का पुत्र था, जिसका नाम था सांप, जिसका पुत्र का नाम था सांप, तो उसको भी साथ ले गए। और उसको ले जाकर उन्होंने क्या किया कि एक जो ऋषि इकट्ठे हुए थे, उन्होंने सोचा आज ऋषियों का मजाक बनाया जाए। जैसे किसी का कोई मजाक उड़ाता है तो क्या होता है, वो मजाक उसको उल्टा पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि मजाक करते हुए दूसरे के साथ आपके अंदर, आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है कि आप मजाक सहन रखो, तो मजाक किसी से करोगे मत। आप किसी का मजाक उड़ाओगे तो उसका वो भी आपका मजाक उड़ाए, आप फिर बुरा मान जाओ, तो मजाक करो मत। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनसे बनावटी नम्रता बन के और प्रणाम किया, ढोंग किया, बनावटी नम्र बने, प्रणाम किया और उनको कहा, शाम को बोलते हैं कि एक ये सुंदर गर्भवती स्त्री है, उसके पेट के अंदर कपड़ा कपड़ा बांध दिया और बोलते हैं ये एक स्त्री, उसको स्त्री का रूप बना दिया और कहते हैं ये देखो कितनी सुंदर गर्भवती स्त्री है, आप बताओ इसके पुत्र होगा या पुत्री होगा। ऋषि मुनियों को जाकर पूछते हैं, कौन से ऋषि मुनि, विश्वामित्र, दुर्वासा, कश्यप, वशिष्ठ जैसे मुनि, उनसे जाके ये बच्चे कौन, यदुवंशी बच्चे। तभी तो भगवान को पता था कि वो डंडे होते जा रहे, इनमें इतनी अकल नहीं है कि हमें ऋषि का कैसे सम्मान करना है, संत का कैसे सम्मान करना है। संत और ऋषि तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, उनके साथ ऐसा मजाक, पद्धा मजाक। तो उन्होंने अपने योग से देख लिया कि हमसे मजाक करते हैं, ये स्त्री नहीं है, ये पुरुष है, ये गर्भवती नहीं है, सिर्फ उन्होंने क्या है पेट के अंदर कुछ कपड़ा सा बांध रखा है। तो उनको क्रोध आ गया, क्रोध आ गया तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया, सांप को, जो किसका, जामंती का पुत्र था, भगवान की पटा नहीं थी जामंती, तो उसको श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया, कि ये एक मूसल को पैदा करेगी, मूसल, लोहे के मूसल को पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा, पूरे विदेश का नाश कर देगा। ये उन ऋषियों ने, दुर्वासा ऋषि ने और बाकी ऋषियों ने श्राप किया कि तुम्हारा पूरा कुल इससे मूसल से नाश हो जाएगा, लोहे का एक बताते हैं अभी आगे। तो उन्होंने जब पेट का कपड़ा खोला तो बच्चों ने तो देखा वाकई उसमें लोहे का एक मूसल मिला, एक लोहे का टुकड़ा मिला बहुत बड़ा, वो मिला तो घबरा गए। कोई जानते थे ऋषियों का श्राप खाली नहीं जाता, ऋषियों का श्राप नहीं जाता, तो राजा के पास गए, राजा के पास गए भगवान की उनके पास कि ऐसे ऐसे हमने गलती से ऋषियों का अपमान किया है, उसे मजाक किया था और हमें श्राप दे दिया है कि आपके यहाँ एक मूसल पैदा होगा लोहे का और ये हमारे पूरे यूनिवर्स को प्राप्त करेगा। भगवान तो सब जानते ही थे, उन्हीं की तो ये लीला थी, उसी के लीला के अंतर्गत तो ये हो रहा था, क्योंकि अभी कहा ना भगवान चाहते थे कि मैं जाते हुए सारे यूनिवर्स को समाप्त कर दूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब इसको श्राप को तो टाला नहीं जा सकता, लेकिन देखते हैं इसका कुछ उपाय हो। तो उन्होंने उस लोहे के टुकड़े को, लोहे के मूसल को चूरा चूरा कर दिया और चूरा चूरा करके उन्होंने कहा देखते हैं इससे क्या होता है, अगर इसके इतने टुकड़े कर दिए जाएंगे तो इसका क्या बनेगा, कुछ नहीं बन सकता। उन्होंने उसको बारीक बारीक टुकड़े किए और उसको समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। उस समुद्र में से जो है एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा था, बच गया हुआ, जैसे कई बार पीसते हैं तो कोई चीज बड़ी बच जाती है, उसमें एक टुकड़ा था बड़ा था, वो मछली के मुंह में चला गया, मछली ने उसको निकल दिया और बाकी चूरा समुद्र में चला गया। वो मछली को एक फिशरमैन होते जो, उन्होंने पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया और उसने वो जब काटा उसने तो उससे लोहे का एक टुकड़ा निकला, तो उसने कहा मछली के कोई चीज निकली होगी, ठीक है, उसने उसको फेंक दिया। और एक जरा नाम का शिकारी जा रहा था, व्याध जा रहा था, उसको वो टुकड़ा मिल गया, मछली काटी, मछली में से टुकड़ा निकला, उन्होंने फेंक दिया और एक शिकारी वहां से गुजर रहा था, शिकारी को लोहे का टुकड़ा मिला, उसने अपने तीर के ऊपर लगा दिया, तो उसने कहा मेरा तीर अब ज्यादा नुकीला हो जाएगा। और जो जंगल उसमें समुद्र के अंदर घास फेंकी थी, वो घास क्या है, लहरों के साथ किनारे निकाल, क्योंकि समुद्र कोई चीज अपने अंदर नहीं रखता, और समुद्र में लाश भी फेंक दिया तो क्या होता है, नील ऊपर आ जाती है, तैर जाती, समुद्र अपने ऊपर कुछ नहीं रखता। समुद्र के किनारे जाओ तो देखो कितने शंख, सीपी और पत्थर और क्या क्या चीज, रेत और सब चीजें बाहर आती रहती, समुद्र को चीज एक्सेप्ट नहीं करता सिवा पानी के। तो उन्होंने वो जो घास वो जो थी टुकड़े लोहे के, वो तट पर आ गए, किनारे पर आ गए, किनारे पर आ गई तो वहां पर एक घास लगा, घास बड़ी जहरीली घास लगा क्योंकि लोहे के टुकड़ों से बनी थी और बड़ी ऐसी घास थी, इसका नाम था एरक, एरक नाम की घास पैदा हुई
और उसकी बड़ा लंबी लंबी नुकीली नुकीली कड़े निकली, उसमें कोई घाट नहीं थी, बस सिर्फ लंबे लंबे ऐसे थे जैसे नो ना कांटे, इस तरीके की वो घास पैदा हो गए। इधर द्वारका में अपशगुन शुरू हो गए, द्वारका में बड़े बड़े बुरे बुरे अपशगुन होने शुरू हो गए और उत्पात होने लगे। ये देखकर वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग थे, युद्धवंशी थे, वो भगवान कृष्ण के पास आए और कहने लगे यहाँ पर तो रोज नए नए उत्पात होते हैं, बड़े बड़े उग्रवादी लड़के आ गए हैं, रोज नए नए झगड़े होते हैं और यहाँ पर सब लोग दुखी हो रहे हैं, अपशकन हो रहे हैं, किसी घर कुछ क्लेश पड़ रहा है, किसी घर कुछ क्लेश पड़ रहा है, कहीं आग लग रही है, ऐसे अपशकन होते हैं ना, घर में अपशकन हो रहे हैं द्वारका के अंदर। तो उन्होंने कहा भगवान आप बताओ हमें क्या करना चाहिए, हमें इस वक्त क्या करना चाहिए कि रोज हमें बुरी बुरी यहाँ घटनाएँ हो रही हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, वो सब जानते थे कि उसकी लीला के अंतर्गत हो रहा है, ऋषि मुनियों का श्राप लगा हुआ है। तो ऋषियों को कहते हैं, बड़े बुजुर्गों को, कि आप तो जानते ही हैं कि ऋषि मुनियों ने हमें श्राप दे रखा है और ऐसा श्राप दे रखा है जिसको टालना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। तो मेरा ऐसा विचार है कि आप इस क्षेत्र को छोड़ दो, जहाँ ये बात है, कहाँ की बात है, ये द्वारका की, द्वारका को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्योंकि यहाँ ऋषियों वहाँ पर ऋषियों का हमें श्राप लगा हुआ है। और सारे के सारे प्रभास क्षेत्र गुजरात के अंदर ही है, शायद सौराष्ट्र का जो क्षेत्र है उसको प्रभास क्षेत्र, गुजरात में दो पार्ट है, एक गुजरात का पार्ट है, एक सौराष्ट्र का पार्ट है। और सौराष्ट्र के नज़दीक एक पवित्र स्थली है, हम सब वहीं चलते हैं और वहाँ जाकर हम जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्मचारी ब्राह्मण हैं, उनको हम दान पुण्य करेंगे, उनको खाना बनाएंगे, खाना खिलाएंगे, पकवान खिलाएंगे, दक्षिणा देंगे और हो सकता है कि हमारा कुछ संकट कम हो जाए, कुछ कम हो जाए। क्योंकि ऐसा होता है कि ऐसे कर्म करने से, कर्म कांड करने से कुछ हमारे कष्ट कम हो जाते हैं। जैसे कि अगर समुद्र को लांघना है तो हम समुद्र खुद नहीं लांघ सकते, जहाज आ जाता है, जहाज में बैठ के बोट में आके हम पार कर सकते हैं। तो कर्म कांड करते वक्त ऐसा हो सकता है कि हमें कोई समुद्र में जहाज मिल जाए और हम अपने संकटों को पार कर जाए। तो भगवान की ऐसी सलाह मानकर सब के सब युद्धवंशी ने अपना सामान पैक किया और कहाँ आ गए, प्रभास क्षेत्र के अंदर आ गए, प्रभास क्षेत्र के आ गए। तो उसके बाद उद्धव जी भगवान के बड़े प्रेमी सेवक थे, उद्धव जी भगवान के, उद्धव जी का जिक्र आया ना पहले, है ना, उद्धव जी कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, वृंदावन गए थे। उनको भक्ति, उनको अंदर ज्ञान बहुत था लेकिन भक्ति और प्रेम नहीं था, उनको गोपियों के पास गए थे क्या सीखने के लिए, ध्यान देने के लिए और प्रेम से। चाहते तो भगवान कुछ भी सिखा सकते थे लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये काम मेरी गोपियों का, भगवान ने कहा तो उनको गोपियों के पास भेजा ताकि गोपियों का भी माताओं को पता लगे कि वो प्रेम की ध्वजा है, प्रेम की मूर्त है। तो उद्धव जी को पता लगा, उन्होंने देखा कि सब युद्धवंशी कहाँ जा रहे हैं, प्रभास क्षेत्र में जा रहे हैं। तो समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण अब इस धराधाम से अपनी लीला समेट कर अपने धाम वापस जा रहे हैं, इस धराधाम धरती से अपनी लीला समेट कर और अपने परम धाम को जा रहे हैं। तो उन्होंने भगवान कृष्ण के चरणों में प्रार्थना की और कहने लगे, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप चाहें तो ऋषि मुनियों के श्राप को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों भगवान से बड़े तो नहीं हैं, भगवान भक्तों के अधीन जरूर है, हमने सुना था ना कथा के अंदर, भगवान भक्तों के अधीन है, मैं भक्तन का दास, भक्त मेरे मुकुट पर, मैं भक्तन का दास, भक्त मेरे मुकुट पर। तो उन्होंने कहा आप चाहो तो इस श्राप को खत्म कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर रहे, इसका मतलब है आप अपनी लीला समेट कर खुद जाना चाहते हैं, आप खुद चाहते हैं कि श्राप जो है वो फले फूले और इसका फल मिले, इससे मैं समझ गया हूँ। आप जानते हैं कि मैंने अपना सारा जीवन आपके साथ बिताया है, मुझे आपके अलावा और कोई आश्रय नहीं है, मुझे ज्ञान का पहले था, उसके बाद आपने मुझे प्रेम दी, भक्ति दी, तो मेरे पास सब कुछ आपका ही है, आप ही ने दिया है, मेरा सारा जीवन आपके चरण कमलों में समर्पित है, आपके बिना मेरा जीना एक क्षण भी मुश्किल है, मैं नहीं जी पाऊंगा, इसलिए आप मुझे अपने धाम दे चलिए, आप जाओगे इस धाम, इस तरह धाम को छोड़कर और अपने धाम जाओगे तो मुझे साथ ले जाओ। तो भगवान ने कहा उद्धव कोई किसी के साथ नहीं आता, सबको अपनी यात्रा खुद तय करनी होती है और कोई किसी के साथ जाता भी नहीं है, ना कोई किसी के साथ आता है ना कोई जाता है, सबको अपनी यात्रा अपनी मंजिल खुद तय करनी होती है, अकेले तय करनी होती है। आपको नहीं पता कि आपके बच्चे सारे क्या काम करते हैं,
24 घंटे आप उनके साथ तो नहीं रह सकते, आपको नहीं पता कि आपके घर वाले वो सदस्य क्या करते हैं। तो कहते हर एक को अपनी यात्रा खुद तय करनी है, अपनी मंजिल खुद तय करनी है। इस करके कोई किसी के साथ आता नहीं है, कोई किसी के साथ जाता नहीं है। आपकी लीला अमृत स्वरूप है। इस रस को एक बार जिसने चख लिया, उद्धव जी कहते हैं उसे संसार की किसी चीज में स्वाद नहीं आता। मैंने आपके प्यार का अमृत चख लिया है। जिसने भगवान का अमृत एक बार चख लिया, उसको संसार की सब ऋषि वासनाएं बेस्वाद लगती हैं, उसको मिट्टी के ढेले के तरह लगती हैं, उसको संसार मिट्टी लगती है। आपकी लीला अमृत स्वरूप है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, आपने सोचा ठीक है कि मैं इतना धाम से अब जा रहा हूँ, आज के सातवें दिन ये मेरी द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। उसी क्षण इसके जितने भी मंगल हैं, इस द्वारका नगरी के जितने भी मंगल हैं, जितने भी पुण्य हैं, सब के सब समुद्र में डूब जाएंगे और थोड़े दिनों में कलयुग आ जाएगा। कलयुग आ जाएगा, इसलिए आप अनन्य भाव से मुझ में अपना मन लगाकर और इस पृथ्वी पर घूमो, अपना मन मेरी तरफ लगाओ और इस संसार में स्वच्छंद घूमो और घूमते हुए तीर्थों में जाओ, पैतृक धाम जाओ, सब जगह घूमो, लेकिन मन मेरी तरफ लगाओ, संसार के विषय वासनाओं से दूर। उद्धव ने कहा, आप कहते तो ठीक हो प्रभु जी, लेकिन आपके बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकता। मुझको लगता है कि आपके बिना ये संसार, ये जीवन निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मायने नहीं है, संसार रसहीन है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। जब किसी चीज़ में स्वाद नहीं है, रस नहीं है, तो उसको कुछ सेवन नहीं करता, तो उसने कहा सब ये बेकार है, कृपा आप मुझे त्याग और संन्यास का उपदेश दीजिए, तो इससे मैं सुगमतापूर्वक ये सब साधन कर सकूँ। कौन से साधन? जीवन में संन्यास और त्याग का साधन दीजिए, ताकि मैं हर वक्त आपको याद कर सकूँ और इस मोह माया के भवसागर को पार कर सकूँ। मुझे ऐसा कोई थोड़ा सा उपदेश दीजिए, ताकि मैं संसार से, मोह माया से छूट सकूँ। भगवान ने किशन ने कहा कि संसार तो सपनों का खेल है, यह पूरा खेल कोई नहीं खेल सका, यह कोई भी पूरा खेल नहीं खेल सकता है। और सोचते हैं लोग दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाए, काहे को दुनिया बनाए, पहले तो उन्हें दुनिया बनाई, हमें सपने दिखाए और सपने के बाद मिलन कराया और मिलने के बाद फिर बिछड़ना, ये संसार का नियम है। पहले संसार में रिश्ते पैदा होते हैं, फिर रिश्ते पनपते हैं, बढ़ते हैं, गूढ़े होते हैं और जिस दिन आता तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो संसार का नियम है। तो भगवान को कहता है अपनी दुनिया ऐसी क्यों बनाई है? कौन कह रहा है? उद्धव कह रहे हैं। भगवान कहते हैं मेरी संसार ऐसा ही है, मैं तो संसार के साथ खेल खेलता हूँ। जैसे उन्होंने चतुर्श्लोकी भागवत के अंदर कहा था ना कि सब कुछ जो संसार में दिखता है वो मैं, मेरे अलावा जगत में कुछ नहीं है। जब जगत बना था तो मैं संसार में आदि बीच हूँ, अनादि हूँ, अनंत हूँ, मेरा कोई अंत नहीं है, मेरा कोई आदि नहीं है, मेरे से पूर्व कोई नहीं था, मैं ही सबसे पहले था और मेरे वजह से ही संसार बना है और मैंने संसार को बनाया और मैं खुद ही संसार बना हूँ। क्योंकि जगत में चौथे स्कंद के अंदर कहते हैं कि जगत में उस वक्त कुछ नहीं था, ना कर्म था, ना कार्य था, ना कारण था, ना उपदान कारण था, मैं ही था, तो फिर संसार कैसे बनता? तो मेरा स्वरूप ही संसार बना, मैंने संसार को बनाया। तो उसने कहा संसारिक आकर्षण असत्य है, इसमें कोई सत्य नहीं है, सत्य केवल आत्मा है। अपनी आत्मा को पहचानो, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे समुद्र में से हमने कहा ना एक गुण निकालो, तो उसके गुण कौन से हैं? जो समुद्र के गुण हैं, जो समुद्र के अंदर खारापन है वो उस बूंद पानी के अंदर भी होगा, उसको जीभ पे लगा के देखो तो समुद्र की बूंद के अंदर वही गुण है जो समुद्र के अंदर है, ऐसे आत्मा में वही गुण है जो परमात्मा के अंदर है, क्योंकि उसका ही अंश है। इस मनुष्य शरीर से जीव मन को एकाग्र करके अनन्य भाव से मेरी भक्ति करे तो मेरा साक्षात अनुभव कर सकता है। अगर जीव अपने आप को एकाग्र करके अपने मन चित्त को एकाग्र कर दे, अहंकार को समाप्त कर दे और मेरी तरफ ध्यान रखे, तो आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। एकाग्र को प्रकार था योग के अंदर बताया गया था कि अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ, चरणबिंद में लगाओ, अपना मन को एकाग्र करके भगवान के अंदर लगाओ और अपने भगवान को एक निष्ठ बनाओ, तब आप भगवान को एक निष्ठ बना सकते हो। आपकी निष्ठा एक जगह जाके ठहरेगी, ये नहीं कि रोज रोज अपने देवता का देवी को बदलो, 33 करोड़ देवी देवता है, किस किस को मनाओगे, कहाँ कहाँ मनाते रहोगे? आपका मन एक निष्ठ नहीं हो सकता। सोमवार किसी की पूजा, मंगलवार किसी की, बुधवार किसी की, शनिवार किसकी, ये मन को ऐसे मत भटकाओ। अपना एक निष्ठ बनाओगे
तो आपको मुक्ति जल्दी मिलेगी। जैसे उन्होंने कहा है कि घोड़सवार दो घोड़ों पर सवारी करके कभी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। अगर आपने भवसागर पार करना है तो दो किश्तियों पर पांव रखकर आप नहीं बह सकते। अगर दो किश्तियों पर एक पांव रखोगे तो क्या होगा, एक मिनट में भी गिर जाओगे। तो अपने भगवान को एक लिस्ट बनाओ। मैं ये नहीं उच्चारण कर रहा कि आप भगवान कृष्ण को बनाओ, भगवान राम को बनाओ, लेकिन भगवान को अपने एक लिस्ट बनाओ, उसकी पूजा आराधना उससे करो, सम्मान सभी का करो, किसी का अनादर नहीं करता। यानी कि किसी ने आके कह दिया कि मैं तो माता की भक्ति करता हूँ तो अपने माता माता से बेकार होती, ऐसे किसी का अनादर नहीं करना, किसी की बेइज्जती नहीं करना। आपने इज्जत सबका करना है, सम्मान सबका करना है, लेकिन अपने इष्ट को एक निष्ठ बनाओ। एक निष्ठ बनाओगे तो आपकी भक्ति जल्दी सफल होगी। ये कौन बना रहा है? भगवान कृष्ण बना रहे हैं उद्धव को। जो इतना ज्ञान उन्होंने उद्धव को दिया है वो ज्ञान आज हमारे पर भी लागू होता है। यानी कि उन्होंने उस वक्त वाणी बोल दी और आज उस वाणी का कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। तो देवता लोग भी कहते हैं मेरे जो देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो भी मनुष्य योनि पाने के लिए लड़ाई करते हैं, क्योंकि देवताओं को भी मुक्ति नहीं है। देवता है अपने कर्मों का फल भोगत रहे स्वर्ग के अंदर, उनको भी कर्मों की वजह से देवता बने हैं, और कर्मों का जब उनका खत्म हो जाता है तो देवी देवता भी क्या है, उनको मुक्ति नहीं मिलती, उनको फिर संसार में आना पड़ता है। तो उन्होंने कहा है कि वो भी लड़ाई करते हैं कि कब हमारे कर्म जो फलित हो गए हैं कब खत्म होंगे तो हम संसार में आएंगे और फिर मुक्ति पाएंगे। तो सिर्फ मुक्ति मनुष्य के हिस्से में आती है, देवताओं के हिस्से में भी नहीं आई है, उनको भी मनुष्य रूप लेना पड़ता है। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगे रहते हैं उन्हें जीवन भर और जीवन के बाद दुख ही दुख मिलता है, जीवन में भी मिलता है और जीवन के बाद मिलता है, क्योंकि तृप्ति इंद्रिय तृप्ति करने का कोई अंत नहीं है, जितनी करते हैं उतनी और बढ़ जाती है। जैसे आग में हमने कहा अभी आग के अंदर क्या डालते हैं, घी डालते हैं। इस तरीके से भगवान को उद्धव को समझा रहे हैं, जो आपके वास्तविक स्वरूप को जाना चाहता है उसे पुण्य और पाप कर्मों के भय का फिर भय देता है। जो आपके चरणों में समर्पित हो जाता है तो उसने आज तक जितने पाप किए हैं वो आपको समर्पित कर देता है, जितने पुण्य किए हैं वो आपको समर्पित करता है। और जब तक हमारे पाप पुण्य जीरो नहीं होंगे तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति करने के लिए पाप और पुण्य दोनों को जीरो करना पड़ेगा, तभी वो मुक्ति मिलेगी। स्वर्ग और नरक में जाके ये पाप की मुक्ति नहीं मिलती, पाप से मुक्ति नहीं मिलती। इसका गीता के अंदर भी थोड़ा सा भी अंत में आएगा। तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि अनंत बाहर की विषयों में नहीं है। अगर आनंद को खोजते हो, सुख तो है संसार के अंदर, अलग अलग चीज़ों के अंदर सुख है, परिवार के अंदर सुख है, बच्चों में सुख है, है? और अगर आपको सुविधा चाहिए तो हीटर हीटिंग ऑन कर ली, एसी ऑन कर लिया, गर्मी लग रही है, आपको सुख सुविधाएं सब है यहाँ पर, टेलीविजन देख लिया, कार ले ली, यात्रा करनी है जहाज से चले गए, सब सुविधाएं हैं, इनको सुख सुविधाएं बोलते हैं, लेकिन आनंद नहीं है। आनंद कहाँ है? आनंद हमारे अंदर है। तो अपने मन को, अपने चित्त को अपने अंदर स्थापित करो, अपने मन को अपने अंदर स्थापित करो। जब आप अंतर्मुखी हो जाएंगे तब आपका मन मेरे में लगेगा, अपने आप को अपने अंतर्मुखी करना है। इसको गीता में कहा गया स्थित प्रज्ञा होना, स्थित प्रज्ञा होना, अपने आप को अपनी बुद्धि को भगवान के अंदर स्थापित कर देना। इस प्रकार भगवान ने उनको वचन दिया, उपदेश दिया उद्धव जी को। उद्धव जी का थोड़ा थोड़ा जो मन में विचार थे वो थोड़े थोड़े शांत होने लगे। तो हम थोड़ा सा एक प्रश्न करते हैं, अरे जी मेरी लागी लगन मत, तो उसके बाद फिर हम आगे करेंगे, क्योंकि तो टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, नीरसा थोड़ा सा है, लेकिन समझने वाली बात है। इसमें बड़ा गूढ़ तत्व है, इसमें जितना तत्व 11वें अध्याय में है पूरी भावना के अंदर। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि जी मोहि लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोहि लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोहि लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरि लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरि लागी लगन मत तोड़ना।
चले हैं गहरा नाव पुरानी, चले हैं गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना लगन मत तोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, दासी की विनती सुन लीजे, भक्तों की विनती सुन लीजे, हाथ पकड़े मत छोड़ना प्यारे, हाथ पकड़े मत छोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो हम कथा के अब आगे प्रसंग में प्रवेश करते हैं, बिल्कुल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो जो उन्होंने कहा कि अपने मन को स्थिर प्रज्ञा कर दो, अपने मन को अंतर्मुखी कर दो, अपने अंदर बैठे भगवान परमात्मा के दर्शन करो, उसको अनुभव करो कि मेरे अंदर भी एक आत्मा है जो परमात्मा रूप में है, परमात्मा है, और आपको आत्मा खुद आपके प्रश्नों का उत्तर देगी। आप भगवान के सम्मुख होते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो कि मेरी प्रार्थना है इसको स्वीकार करो, तो भगवान खुद परमात्मा रूप में आपकी प्रार्थना का जवाब देते हैं कि प्रार्थना मेरी सही है नहीं सही, पूर्ण हो सकती है नहीं हो सकती, कैसे हो सकती है, ये सब आपके प्रश्नों का उत्तर वो स्वयं आपको देते हैं। तो उन्हें क्या संसार में उद्धव जी आप स्वच्छंद घूमो, आप मेरा नाम लेते रहो, और जो चीज़ संसार में आपको दिखती है उसे पूजनों को शिक्षा प्राप्त करो। संसार में हर चीज़ आपको पूजनों को शिक्षा दे सकती है। आपका दीक्षा गुरु एक होता है, उसको बार बार बदलना नहीं चाहिए। जैसे माता पिता को आप बदल नहीं सकते, जो आपके माता पिता हैं जिन्होंने जन्म लिया माँ बाप तो वही रहेंगे, आप कहीं पले पोसे हों, पालन पोषण माता वाली दूसरी हो सकती है माता पिता, लेकिन जन्म लेने वाली माता एक ही होती है, अपने माता पिता को बदल नहीं सकते। इस तरीके से गुरु को भी बार बार बदलना नहीं चाहिए। आप शिक्षा कहीं से भी ले सकते हैं, बचपन से लेकर आज तक हमने कई गुरु बनाए, जो हमारे को टीचर थे वो भी गुरु के समान थे, वो जब उन्होंने शिक्षा दी है ना, वो भी टीचर भी हमारे गुरु के समान थे, तो हमारे कई गुरु बदले। तो उन्होंने कहा आप संसार के अंदर मैं आपको 24 गुरु बताता हूँ जिनसे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, तो 24 गुरुओं का वो वर्णन करते हैं। कहते पृथ्वी मेरा सबसे पहला गुरु है, जब हम सुबह उठते हैं तो कहाँ खड़े होते हैं, पृथ्वी के ऊपर, सोते भी पृथ्वी के ऊपर हैं, और चाहे बेड के ऊपर सोए लेकिन है तो पृथ्वी के ऊपर, हम सोते भी पृथ्वी के ऊपर हैं और जागते भी पृथ्वी के ऊपर हैं, तो सबसे पहला गुरु हमारा पृथ्वी है। और उठकर कहते हैं पहले सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, पृथ्वी को सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी के अंदर सहनशीलता है, क्षमा है। पृथ्वी को देखो हम कितनी बार उसको खोदते रहते हैं, उसके अंदर भिन्न भिन्न पौधे लगाते रहते हैं, वृक्ष बन जाते हैं, उपज होती है कई तरह की क्रॉप्स लगती हैं, और इसको तोड़ तोड़ कर बीच में से क्या है, रतन हीरे मोती सोना सब जितने भी तत्व हैं संसार के अंदर एलिमेंट्स, वो सब कहाँ से निकलते हैं, धरती में से निकलते हैं। तो धरती कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती,
आप सुन इसको खोदो, इसमें तेल भी यहीं से निकलेगा, पेट्रोल भी यहीं से निकलेगा, पानी भी इसमें से निकलेगा, जितने रत्न मोती हैं सब इसी में से निकलते हैं, खाने पीने की चीजें भी इसमें से निकलती हैं, संसार की सब वस्तुएं धरती में से निकलती हैं, लेकिन धरती कभी किसी को कुछ कहती नहीं है कि आपने मुझे क्यों खोदा, क्यों खोदाएगी, उसमें इतनी पीड़ा सहकर भी वो सबको क्षमा करती है, पीड़ा सहकर भी वो सबने सबको क्षमा करती है। फिर दूसरा उन्होंने कहा, दूसरा गुरु वायु को मानो, एयर को मानो, क्यों, ये हमारे प्राण तत्व है, हमें अंदर संसार के, अगर हमारे आप सोच लो कि एक मिनट के लिए अगर वायु ना मिले आपको, दो मिनट के लिए, तो क्या होगा, शरीर छूट जाएगा, तो हमारी प्राण शक्ति प्राण तत्व ये वायु है, पवन है, हवा है, बिना हवा के हम जीवित नहीं रह सकते, तो इसको भी प्रणाम करो, प्रणाम इसका भी धन्यवाद करो कि आपने हमें प्राण दिए हुए। तीसरा उन्होंने कहा आकाश को प्रणाम करो, पहले सारे एलिमेंट्स को कर रहे हैं वो जो फाइव महाभूत तत्व है, उन्होंने कहा आकाश को नमस्कार करो, आकाश अगर ना हो, स्पेस ना हो, तो हमें दूसरे से कोई बातचीत नहीं कर सकते, कितना व्यापक है वो, अगर मोबाइल आपके पास है और दूसरी जगह पर मोबाइल है, अगर बीच में स्पेस ना हो, वैक्यूम हो, तो आप बात नहीं कर सकते। हमने बताया था कि आकाश का गुण क्या है, शब्द है, शब्द आपको तभी सुनाई देते हैं जब बीच में स्पेस हो, तो आकाश सर्वव्यापी है, इसमें बहुत सी घटनाएं घटती रहती हैं, आप देखते हैं आकाश के अंदर कितनी घटनाएं घटती रहती हैं, कितने नक्षत्र घूमते रहते हैं, कितने ऊपर हमारा जो इसका पोल्यूशन है कहाँ जाता है, आकाश में जाता है, आकाश में जाता है, और इसके कितनी कितनी संसार के अंदर घटनाएं संसार के अंदर जो आकाश में होती रहती हैं, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये अनादि है, अनंत है, अविनाशी है। चौथा उन्होंने कहा जल, पानी के बिना हमारा जीवन नहीं है, जल से मैंने क्या सीखा, जीना सीखा, जीवन दान देते हैं वो, और साथ साथ वो शीतलता सीखी, मधुरता सीखी, पानी को जितना मर्जी गर्म कर लो, थोड़ी देर के रखो भी ठंडा हो जाएगा, फिर ठंडा है, उसको 100 डिग्री तक गर्म करो, हैं, भाप बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन भाप से भी फिर ठंडी होकर पानी बन जाएगा, पानी को जितना मर्जी करो, धीरे धीरे वो अपना शांत हो जाएगा। तो कहता है जल से मैंने शीतलता सीखी, और जब हम प्यास लगती है तो हमारी प्यास आप जो मर्जी को पीते रहो, जो मर्जी और पीते रहो, लेकिन आपकी प्यास मिट्टी किससे है, जब आप शीतल जल पीते हो, ठंडा पानी पीते हो, तो कहता है शीतलता और मधुरता मैंने जल से सीखी है, मनुष्य को जल की भांति शीतल होना चाहिए और जल की भांति मधुर वाणी बोलनी चाहिए, अपनी वाणी जो है मधुर बोलो, आपने जो कहना है आप जरूर कहिए, ये नहीं कहा कि आप अपने मन की बात अपने मन में घूरते रहो, आप बात कहिए, जो कहना कहिए, मुँह पर कहिए, पीछे कहिए, लेकिन बड़े ढंग से कहिए, शीतल में से कहिए। तो वाणी पर उन्होंने कहा कि इसके अंदर कहिए, और जल का बताया था गुण रस है, संसार के अंदर जितना रस है किसी चीज के अंदर, खाने पीने की चीज के अंदर, पदार्थ के अंदर, सब वो रस कहाँ से आता है, जल से आता है। फिर उन्होंने कहा अग्नि, अग्नि से मैंने इसका रूप क्या है, इसका गुण क्या है, रूप, अगर अग्नि ना हो, प्रकाश ना हो, तो हमें कोई चीज दिखाई नहीं देगी, आंखें देख नहीं सकती अंधकार में, आपकी आंखें अंधकार में देख सकती हैं, डार्क प्लेस में आंखें नहीं देख सकती, तो अग्नि हमें, जो अग्नि हमें गुण प्रदान करती है देखने का, रूप का, और अग्नि तेजस्वी है और ज्योतिर्मय है, तो इससे गुण सीखो। फिर उन्होंने कहा चांद से भी मैंने कुछ सीखा, चांद घटता है बढ़ता है, चांद के अंदर कई कला है, 16 कलाएं संपूर्ण कहते चांद है, पूर्णमासी का चांद है, एकादशी का चांद है, एकस का चांद है, अलग अलग उसमें अलग अलग गुण है, शरीर का भी यही गुण है, शरीर पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसमें भी कला है, शरीर बड़ा होता है, सुंदर बनता है, युवा बनता है, बुढ़ापा आता है, सब उसके अंदर गुण आते हैं, लेकिन आत्मा वही की वही रहती है। जिस तरीके से हम जिसे बचपन में पैदा होते इतनी हमारी आत्मा थी, मरते भी आत्मा उतनी की उतनी रहती है, अगर उसका वजन 1 ग्राम है तो 1 से 1.25 ग्राम भी नहीं उसका, उतने का उतने ही रहेगा। तो घटना और बढ़ना शरीर के भाग, आत्मा का नहीं, आत्मा से कोई संबंध नहीं। फिर उन्होंने कहा सूर्य से मैंने सीखा कि प्रोपकार करना, सूर्य सबका प्रोपकार करता है, वो बिना भेदभाव के सबको रोशनी देता है, यानी कि अमीर के घर में सूरज ज़्यादा आता है और गरीब के घर कम आता है, ऐसा नहीं, वो बिना भेदभाव के सबको बराबर बांटता है, तो भेदभाव करना, ना भेदभाव करना किसे सीखा मैंने, संभाव करना सूर्य से सीखा। उन्होंने कहा मैंने कबूतर कबूतरी का जोड़ा देखा, वो परिवार में बड़ा अच्छा था, बड़ा उनका गुजारा चल रहा था, उनके आगे बच्चे हो गए, तो एक शिकारी आया और ये कबूतर कबूतरी बच्चों के लिए अपने दाना लेने चुगने गए हुए थे,
बच्चे तो अभी घोंसले में थे, एक अवसर उतरी गए दाना चुगने के लिए, पीछे शिकारी आया, उसने जाल फेंका और इसने इनके बच्चों को जाल के अंदर बंद कर दिया। जब ये वापिस आए तो देखा हमारे बच्चे कहाँ हैं, जाल के अंदर, शिकारी के अंदर फंस गए। तो कबूतर ने उसको छुड़ाने की कोशिश की, नहीं छूट पाया तो वो उसके अंदर चला गया। अब पीछे बचा कबूतरी, कबूतरी का मेरा जीवन भी कि बेकार है, ना मेरे बच्चे हैं ना मेरा पति है, तो उसने भी अपने आप को उसके अंदर खुद चले गए, गलती से चला गया और खुद चले गए। शिकारी की तो मौज, तो उसने कहा है संसार के अंदर किसी चीज़ से अतिशय क्या संसार से अशक्ति बोलते हैं, अशक्ति बोलते हैं, अशक्ति तो होगी, अशक्ति तो नेचुरल है, आपके अटैचमेंट सबसे अशक्ति को क्या बोलते हैं अटैचमेंट, अटैचमेंट तो सबसे होगी होगी, पुत्र के साथ नहीं होगी, पत्नी के साथ नहीं होगी, पति के साथ नहीं होगी, बच्चों के साथ नहीं होगी, किसके साथ नहीं होगी, सबसे होगी। लेकिन आपकी अटैचमेंट इतनी गहरी ना हो कि आप कोई भी भक्ति करने बैठे तो वो अटैचमेंट सामने। जैसे कि भरत महाराज, भरत महाराज जी को हिरणी के बच्चे में अटैचमेंट हो गई थी, अनाशक्ति हो गई थी, और भक्ति करते थे तो उनका ध्यान उसकी हिरण के बच्चे के अंदर। तो संसार के सब संबंध अच्छे हैं, संबंध बनाओ, संबंधों का निर्वाह करो, लेकिन संबंध इस संबंधों की मोह माया में अति ना फंस जाओ कि आपको फिर और कुछ दिखाई ना दे, और कुछ दिखाई ना दे। जैसे उन्होंने कहा मैंने अजगर से कुछ सीखा है, अजगर क्या है, अजगर का अजगर जो है वो जो प्रबंध जो उसकी किस्मत में लिखा होता है उसको मिल जाता है। अजगर शिकार करने ढूंढने निकलता नहीं है, उसको जो अपने कर्मों में मिल रहा है वो उसको दे देता है, उसी में संतुष्ट रहता है। भगवान ने भी हमको जो हमारे प्रबंध है उसके हिसाब से मिल जाएगा, जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको अवश्य ही मिलेगा, न तिल घटे न रत्ती बढ़े जो लिखती करता, न तिल घटे न रत्ती बढ़े जो लिखती करता, जो भगवान ने लिख दिया है वो तो आपको मिलना ही मिलना है, वो आपको उसी तरीके से कर्म करवाएगा ताकि वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाए। कर्म तो करना ही है, बिना कर्म के तो हम रह नहीं सकते, कर्म तो करना ही है, लेकिन मिलेगा जो हमारे किस्मत में होगा। फिर मैंने समुद्र से सीखा कि समुद्र में क्या है, ग्रीष्म ऋतु में सूखता नहीं है और बरसात आ जाए तो ये बहुत छलकता नहीं है। तो उसने कहा ऐसे ही अपने आप को इसमें समुद्र की तरह एक गहरा बनाओ, आप छोटी छोटी बात पर ओवर मत करो, छोटी छोटी बात पर आपकी सीमाएं मत लांघो। कल लक्ष्मण रेखा की बात की थी ना, तो समुंदर अपनी सीमाएं इतनी जल्दी नहीं लांघता जब तक कि बहुत बड़ा कोई सुनामी ना आए। उसने कहा अपने आप को इस तरीके से कंट्रोल रखो कि आप एक लक्ष्मण रेखा के अंदर रखो। मैंने किसे सीखा, समुंदर से। फिर उन्होंने कहा एक पतंगे से मैंने सीखा, पतंगा जो छोटा सा पतंगा होता है जो आपके चारों तरफ घूमता रहता है, पतंगे की भांति पतंगा क्या है अग्नि पर मोहित हो जाता है, उसमें बच्ची अट्रैक्शन रखती है इसके अंदर कि जलती हुई आग है, रोशनी है, तपस्या है, उसको बड़ी अट्रैक्शन लगती है, उसके चार पास घूमता रहता है और अंत में उसी में वो जीवन दे देता है, अपने आप उसकी मृत्यु रहती है। पतंगे की भांति मनुष्य भी माया और आकर्षण के पीछे पागल रहता है और अंत में अपना नाश कर देता है। तो हमें माया और आकर्षण के पीछे पागलों की तरह नहीं जाना, आकर्षण तो संसार के रहेंगे, आकर्षणों को हम समाप्त नहीं कर सकते, सब आकर्षण रहेंगे, इस आकर्षण के पीछे पागलों की भांति मत करो। फिर उन्होंने कहा मैंने भ्रमर से सीखा, भवरे से सीखा, भवरा क्या है, फूल की खुशबू लेता है, उस खुशबू में मस्त हो जाता है, उसमें अनासक्त हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है उसकी, कमल के फूल पर बैठता है और उसका रस पान करता है, कमल का फूल जैसे जैसे सूर्य ढलता है वो बंद हो जाता है, बंद हो जाता है और भ्रमर उसके अंदर ही फंसा रहता है, वो चाहे तो उसके अंदर छेद करके बाहर निकल सकता है, उसके अंदर वो ताकत है, जैसे चूहा कूद सकता है ऐसे भ्रमर में भी ताकत है, लेकिन वो निकलता नहीं है, उसके नशे में ही रहता है, फूल के मद के अंदर रहता है, नशे में रहता है और सुबह आने तक उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। तो भ्रमर से मैंने सीखा कि बहुत ज़्यादा अनासक्त नहीं होना चाहिए और अपने आप को हम संसार से बचने का उपाय करना चाहिए। हाथी से मैंने सीखा, हाथी स्पर्श की वजह से मर जाता है, कैसे मरता है, हाथी को स्पर्श सुख का बड़ा बड़ा उसको आनंद आता है, बड़े उसके पीछे रहता है, पागल रहता है। तो शिकारी होते हैं वो एक नकली लकड़ी की हथनी बना देते हैं और एक बहुत बड़ा गड्ढा कर देते हैं, उसको घास से ढक देते हैं, ऐसे लगता है कि जमीन ही है, नीचे होती क्या घास होती है, गड्ढा होता है, ऊपर एक नकली हथनी खड़े कर देते हैं और हाथी आता है स्पर्श सुख के लिए उसके पास आता है और जैसे उसके पास आता है वो गड्ढे में और गड्ढे में जाता है तो फिर बाहर निकल नहीं पाता। तो स्पर्श सुख की खातिर
हमें अपना संसार अपने आप को गवा नहीं देना चाहिए। फिर मैंने मधुमक्खी से सीखा कि आवश्यकता से अधिक संग्रह मत करो। मधुमक्खी क्या है, इकट्ठा करती रहती है, अपना जाल बुनती रहती है, अपना बनाती रहती है, और उसके अंदर क्या है, मधु भरती रहती है। मधुमक्खी शिकारी आता है, उस मधुमक्खी के छत्ते को जला देता है या तोड़ देता है, वो सारा शहद वो ले जाता है। मधु को तो कुछ मिलता नहीं है, मधुमक्खी को तो कुछ मधु मिलता नहीं है, सारा मधु किसको मिल जाता है, शिकारी मिल जाता है। तो कहते हैं मधुमक्खी की तरह अधिक संग्रह न करो, बल्कि उसका उपयोग करो, उपभोग नहीं करो। उपयोग और उपभोग में बड़ा फर्क है। उपभोग है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, और उपयोग है संसार में भगवान के लिए उपयोग कर रहे हैं, उसको उपयोग कर यूटिलाइज करना, यूटिलाइज करना शुरू होता है उपयोग करना। सुनने की लालसा में हिरण मारा जाता है। हिरण क्या है, शेर उसके पीछे पीछे होता है और हिरण आगे आगे। हिरण की जो चल भागने की गति है वो शेर से ज्यादा है, हिरण की भागने की गति शेर से ज्यादा है। थोड़ी देर वो आगे भागता है, बहुत आगे चला जाता है, फिर वो खड़ा हो जाता है, फिर वो शेर के चाकू की आवाज सुनने के लिए खड़ा हो जाता है। उसके कान अपने उधर देखता है कि क्या आवाज आ रही है, क्या आ रहा है, और इस तरीके से आवाज का वो सुनने के लिए खड़ा होता है, और शेर आके उसका शिकार कर देता है। तो उसको सुनने की लालसा में वो मारा जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि आप अधिक, उसने जो पांच चीजें बताई थी ना संसार के अंदर, क्या क्या छोड़ दी है, व्यर्थ का दर्शन है, व्यर्थ का भोजन, व्यर्थ का भ्रमण है ना, व्यर्थ की बातें सुनना, ये भी श्रवण करना, व्यर्थ का श्रवण भी उसने बताया था कि व्यर्थ के संसार के अंदर व्यर्थ की चीजें मत सुनो, जो आपके काम की है, जो प्रभु भक्ति की है, जिससे आपको कुछ मिल सकता है, हासिल है, वैसे इधर उधर की बातों के अंदर कोशिश के अंदर अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करो। ठीक है, कभी कभी समय पास करने के लिए मिल जाते हैं लोग, थोड़ा सा हल्का फुल्का मनोरंजन हो जाता है, लेकिन उसमें अपने आप को अनुशक्ति मत करो कि हमने करता ही करता है, कोशिश करनी करनी है। तो समय की बर्बादी से बचो, और इस तरह हिरण सुनने की लालसा में मर जाता है। जीभ के स्वाद के कारण मछली फंस जाती है। मछली को कैसे पकड़ता है शिकारी, वो कांटे में आगे थोड़ा सा आटा लगा देता है, गीला आटा लगा देता है, और मछली उसको खाने आती है, और उस एंकर के अंदर, उस कांटे के अंदर फंस जाती है। तो कहते हैं अपने आप को खाने पीने की स्वाद के अंदर, जैसे पांच बताए थे, इससे थोड़ा बच के रखो। कहता पतंगा, हाथी, हिरण, भ्रमण, मछली के पास एक एक इंद्रिय है, उस इंद्रिय सुख से मारा जाता है, और जीव के पास पांच इंद्रिय है, पांच इंद्रिय है, तो उसका क्या हाल होगा। वो तो हर इंद्रिय उसकी इतनी प्रबल है कि हर वक्त उसके ऊपर कंट्रोल रखती है। एक एक भ्रमर, हाथी, एक एक इंद्रिय की वजह से मारा जाता है, और हमारे पास पांच इंद्रियां हैं, तो हमारा क्या हाल होगा, इस मनुष्य का तेरा क्या होगा। तो पिंगला नाम की एक व्याख्या सी कहता, मैंने उससे भी कुछ सीखा। संसार में देखो कहाँ कहाँ चीज़ें सिखाने वाली हैं, अगर आदमी उनसे सीखना चाहे। पिंगला नाम की एक व्याख्या थी, और जब थोड़ी बड़ी हो गई तो उसके बाद थोड़े लोग आने कम हो गए, ग्राहक आने कम हो गए। एक दिन की बात है, वो सारी रात किसी कामिक पुरुष का इंतजार करती है, तो कामिक पुरुष आएगा और मेरे साथ अपनी रात्रि व्यतीत करेगा। सारी रात्रि कोई नहीं आया, तो सुबह जब सुबह हो गई, उसको मन ही मन ध्यान आया कि मैं इन कामिक पुरुषों के पीछे घूमते घूमते मैंने अपना जीवन बेकार कर लिया, मैंने अपना जीवन बेकार कर लिया। अगर यही समय का इंतजार, समय की प्रतीक्षा मैं भगवान की करती, तो भगवान मेरा कल्याण कर देते। तो उसने उसके बाद अपना वैश्यपन छोड़ दिया और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। तो कहते हैं पिंगला नाम की इस वैश्य से भी मैंने इतना सीखा। फिर उन्होंने कहा, मैंने एक गुरर होता है पक्षी, जैसे चील होता है ना, कौवा होता है, इस तरीके का पक्षी होता है, उसकी चोंच बड़ी लंबी और गहरी होती है। तो उसकी चोंच में क्या है कि गुरर अपनी चोंच के अंदर कहीं से उसको मांस का टुकड़ा मिल गया, मीट का एक पीस मिल गया, और उसने अपनी चोंच में भर दिया, और चोंच में ले लेके उसको जा रहा है। बाकी के जो क्रूर हैं, बाकी के जो पक्षी हैं, उसको अपनी चोंच से घायल कर रहे हैं कि टुकड़ा हमको दे दें, हम बांट के खाएंगे, वो देता नहीं है तो उसको घायल करते हैं। तो कहता है उस टुकड़े की वजह से वो घायल हो जाता है। तो कहता है संग्रह करने की बजाय त्याग करो। उसने उस टुकड़े को छोड़ दिया, तो सबने उसको ठुंगी लगाना, उसको काटना छोड़ दिया, सबने चोंच मारती छोड़ दी। तो कहता है जैसे आप त्याग करते हो तो आपको संसार छोड़ देता है। सुख विषय वो भूलने में नहीं है, बल्कि उसके त्याग में है।
अगर हम त्याग करेंगे तो हमें सुख प्राप्त होती है। आप कुछ भी देखो, आपके पास कोई चीज हो, आप उसको जब छोड़ देते हो तो बड़ा हल्का हो जाता है, शांति मिलती है। शांति त्याग के अंदर है, उसको ग्रहण कर उसको उपभोग करने के अंदर शांति मिलना। एक बालक से मैंने सीखा कि बालक का हृदय कितना प्योर होता है, कितना भोला होता है। उससे मैंने निर्दोषा सीखी कि जैसे बच्चे का मन इतना साफ होता है, इतना पवित्र होता है, अगर अपने मन को हम इतना साधारण बना लें, निर्मल बना लें, तो हमें भगवान की प्राप्ति बहुत अच्छी होती है। कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, घर में आए तो बच्चे भेद भी खोल देते हैं, हैं? कहते हैं मम्मी पापा घर में नहीं है, लेकिन बच्चे कहते नहीं वो तो कमरे में बैठे हुए नहा रहे हैं ना। तो बच्चे क्या है, मन के सच्चे होते हैं। अपने मन को बच्चों की तरह सच्चा, नवदा भक्ति में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सबसे कठिन भक्ति का जो नौवां अंग है, जो सबसे ऊंची पायदान है, वो क्या है, अपने आप को सरल करना, कपटहीन और सरल करना। जो अपने आप को सरल कर सकता है उसके लिए संसार एकदम बेकार है, तो भगवान के चरणों में लग जाएगा, उसकी भक्ति एकदम सफल हो जाएगी। अपने आप को नरम करना, अपने आप को बिल्कुल निर्दोष करना, भोला करना है, और सीधा करना और सादगी बनना, सरल करना सबसे कठिन है। तो एक गरीब की लड़की थी, उसकी शादी के लिए कुछ उसको मेहमान आए देखने के लिए, आते हैं लड़की देखने के लिए आते हैं, लड़का देखने जाते हैं। तो एक गरीब की कन्या थी, उसकी कन्या को देखने के लिए वर पक्ष से कुछ लोग आए। तो उसके घर में धान नहीं थी, खाने के लिए कुछ था नहीं। तो पहले जमाने का धान समझते ना, चावल को कूटते थे, तो कूट के उसमें से धान निकालते थे, छिलके अलग करते थे और चावलों को अलग करते थे। तो उसके घर में कुछ था नहीं, मेहमान आ गए तो उसने कहा मैं माता को कहा तुम बैठो, मैं थोड़ा सा धान कूट के इसके चावल बनाती हूँ और कुछ पौधे बनाती हूँ। तो वो धान कूटने बैठ गई। जब धान कूट रही थी तो उसने हाथों में कुछ कांच की चूड़े पहन रखी थी, और जब वो धान कूटती थी तो चूड़ियों की आवाज़ आती थी। उसने कहा मैं धान कूटते कूटते चूड़ियों की आवाज़ आएगी तो मेहमान समझ जाएगी कि इनके घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं है, तो हम रिश्ता नहीं करते। तो उसने चूड़ियाँ उतार दी, सब चूड़ियाँ उतार दी, सिर्फ दो दो चूड़ियाँ रखी। दो चूड़ियाँ से भी वो जब धान कूटने लगी तब भी आवाज़ आने लगी, उसने एक एक उतार दी। जब एक एक चूड़ी उतार दी तो फिर आवाज़ आनी बंद हो गई, आवाज़ आनी बंद हो गई। उससे मैंने सीखा कि आपने जब भक्ति करनी हो, जब भगवान का सत्संग करना हो, तो आप अकेले करो। अगर आपके साथ उपयुक्त साथी है और आपको उसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आप अकेले बैठकर सत्संग करो। अकेले बैठने सत्संग करने से आप भगवान की तरफ मन जल्दी लगा पाएंगे, क्योंकि दूसरा हाथ आपने होगा तो कोई ना कोई बात कर देगा, कोई ना कोई कह देगा। इवन जब भक्ति करो तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखो, मोबाइल को बंद करके रखो, क्योंकि मोबाइल भी बार बार बजेगा, नहीं भी बजेगा, स्विच ऑफ भी होगा, तो उसमें कभी व्हाट्सएप का मैसेज आ रहा है, कभी दूसरा मैसेज आ रहा है, तो फिर आवाज़ आती है टिंग टिंग टिंग, तो भक्ति में बाधा पड़ती है। तो मोबाइल को स्विच ऑफ करो या अपने पास मत रखो, दूर रखो। एक घंटे में कोई आफत नहीं आने वाली, भगवान का नाम ले रहे हो तो भगवान सब सुख शांति रखे। तो इस तरीके से उसने कहा कि अकेले में ही भक्ति करो अगर आपके पास साथ नहीं है ठीक से। कहते मैंने एक बाण बुनने वाले से बहुत कुछ सीखा। बाण बुनने वाला एक दिन सड़क के किनारे बैठा अपना बाण बुनना था, कबीर जी बाण बुनते थे ना, तो जुलाहे थे वो, तो बाण बुनते थे। तो कहे वो बाण बुन रहा था, उधर से राजा की सवारी गुजरी, उसके सैनिक थे, सब कुछ थे, सब वहाँ से गुजर गए और अपना बाण बुनने में तन्मय होकर गुजर गए। थोड़ी देर बाद किसी ने आके पूछा कि अभी यहाँ से राजा की सवारी गुजरी थी, किस डायरेक्शन में गई है? कहते अच्छा राजा की सवारी गुजरी थी, मैं तो पता नहीं, तो ध्यान नहीं दिया। इतना तन्मय होकर वो अपना कार्य में अपने भगवान की भक्ति में लीन था कि उसको धूमधाम से जाती हुई सवारी भी दिखाई नहीं। जब हमने अष्टांग योग की बात की थी तो जो समाधि की अवस्था आती है, समाधि की अवस्था में संसार का कुछ सुनाई नहीं देता। आपके पास कहीं नगाड़े बज रहे हों, कहीं कोई डिस्टर्बेंस हो, कुछ सुनाई नहीं देती, बल्कि आप भक्ति के अंदर और डीप जाते रहते। ये समाधि की परम अवस्था होती है। तो बाण बुनने वाले से मैंने सीखा कि कैसे तन्मय होकर भक्ति की जा सकती है। फिर इसी तरीके से कहा कि मैंने एक मकड़ी से सीखा। मकड़ी अपने आप जाल बुनती है और उस जाल में ऐसा फंस जाती है कि कोई बाहर निकल नहीं पाती। रेशम का कीड़ा जैसे होता है ना, कोकून अपने चारों तरफ एक रेशम का धागा बनाता है,
मकड़ी जाल बनती है और उस जाल से उस ककून से रेशम का कीड़ा या मकड़ी बाहर नहीं निकल सकती, उसी में उसको प्राण चले जाते हैं। तो अपने कर्म बंधनों को इस तरीके से मत बनाओ कि कर्म बंधन के अंदर खुद व्यस्त हो जाओ। अभी कर्मों को थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। कर्म बंधन हमें संसार के अंदर ऐसे फंसाते हैं कि हम कर्म बंधन से निकल नहीं पाते, इस दुख में संसार के अंदर फंसते रहते हैं। तो कहते हैं इस तरीके से उन्होंने गुरुओं की शिक्षा दी। फिर उन्होंने कहा एक भिंगी नाम का कीड़ा था और एक तिलचटा नाम का कीड़ा होता है, तो तिलचटा नाम के कीड़े ने उसको पकड़ लिया भृंगी को और भृंगी उसके अंदर उसके उसमें आ गया, जाल में आ गया और सारी रात उसको छोड़ा नहीं उसने भृंगी कीड़े को। तो उसने क्या किया, उसका ध्यान करने लगा तिलचटे का। तो कहते हैं ध्यान करते करते उसी की तरफ उसी का उसने रूप धारण कर लिया। तो उसने कहा इसी तरीके से आप भगवान को एकाग्र मन से चिंतन करोगे तो आप भगवान के स्वरूप को पाओगे। जैसे मीरा ने की, मीरा ने भगवान का एकमात्र चिंतन किया। कहते थे क्या, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न और कोई नहीं है, मेरे सिर्फ गिरधर हैं इसके अलावा कोई नहीं। जब मीरा की शादी हुई थी और अपने मायके में और ससुराल में गई थी तो उसकी सास ने कहा कि कुल देवी की हमें पूजा करनी है, आप इस कुल देवी की पूजा हमारे साथ करो। तो उसने कुल देवी की पूजा करने से भी मना कर दिया था। उसने कहा मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल दूसरे लोग, मेरे सामने अगर गिरधर गोपाल आएंगे तो मैं उसकी पूजा कर लूँगी, मैं किसी और देवी देवता की पूजा नहीं करती। हालांकि उसकी सास उसके संबंधी सब उससे नाराज हो गए थे कि कुल देवी की पूजा तो हमारे कुल की प्रथा है, तुमको पूजा करनी चाहिए थी। तुलसी जिसने रामायण चित्र लिखी है, सूर्य रामायण लिखी है, उनको एक बार भगवान कृष्ण के दर्शन कराए गए तो उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम करने से मना कर दिया। इतने बड़े तुलसी, उसने कहा मैं भगवान कृष्ण कहता है कि आप पहले धनुष बाण धार कर आओ तब मैं आपको प्रणाम करूँगा, क्योंकि मेरी एक निष्ठ भक्ति है। हालांकि राम और कृष्ण में फर्क नहीं है, लेकिन कहते नहीं मैं तो तुलसी सिर उसको नवाता है जिसने हाथ में तीर कमान लिया धनुष धार कर रखा है। तो एक निष्ठ भक्ति जिसने भी की है, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे मीरा हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, जितने भी हमारे भक्ति काल के बड़े बड़े संत हुए हैं सबने एक निष्ठ भक्ति की है, एक निष्ठ भक्ति की है। कल नरसिंह मेहता का जिक्र आया था, कौन था नरसिंह मेहता, इस जन्म में क्या था वो कालिया यमुना ने इसका वध किया था, है ना। तो उसने भी इतनी भक्ति की थी कि उसने भगवान को प्राप्त कर लिया था। इस तरीके से अपनी भक्ति को एक निष्ठ करो, एक निष्ठ करो तब आपको मुक्ति मिल सकती है। तो श्री कृष्ण का नाम रूप गुण का चिंतन कर मनुष्य उसी भाव में प्राप्त हो जाता है और उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है, जैसे रावण ने की, कंस ने की। कंस उठते बैठते जागते सोते खाते पीते हर वक्त किसका जन्म करता था, देवती का आत्मा पुत्र कृष्ण कहाँ गया, वो कहाँ गया कहाँ गया। और रावण भी हर वक्त राम का चिंतन करता रहता था कि राम आएंगे तो मैं उसको ऐसे युद्ध में पराजित करूँगा, राम आएंगे तो ऐसे करूँगा, राम आएंगे तो मैं उसको सीता नहीं दूंगा, देखता हूँ राम मेरा क्या कर सकता। तो हर वक्त राम का चिंतन करता था। तो राम का चिंतन करते करते उसको भी मुक्ति मिल गई, किसको, रावण को, और कंस को भी मिल गई। उनको भगवान से वैर भाव करके मुक्ति मिल गई, दुश्मनी करके मुक्ति मिल गई। हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमको नहीं मुक्ति मिली, ऐसा सोचो अपने मन को ऐसा भाव कि भगवान तो शत्रुओं को भी तार देते हैं, हम तो भगवान के फिर एक पुजारी पूजा करने वाले हैं, भगवान के भक्ति करने वाले हैं। तो इस तरीके से 24 गुरुओं के भिन्न भिन्न गुरुओं से हमने अलग अलग सीख सीखी है। इस तरीके से उद्धव जी को वो सिखा रहे हैं भगवान कृष्ण। तो हम गुरुओं का चर्चा बंद करते हैं, अपने गुरु भजन करते हैं। बोलो महाराज की जय। गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा वर दो, गुरुदेव मेरे दाता सिमरन सत्संग चोली में मेरे भर दो,
गुरुदेव मेरे दाता, मुझे
जोली में मेरी भर दो सेवा सिमरन सतसंग जोली में मेरी भर दो लाल की जय भगवान की जय।